الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स टू सफा नंबर 2 इशारा सी। मुसहफ से हमने पढ़ना शुरू किया है, आज दूसरा सफा है मुसहफ का, उसमें तीसरा इशारा इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। यूसी टू जब हमने शुरू किया तो सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा के बाद हमने सूरतुल बकरा शुरू की। सूरतुल बकरा में हमने तीन तरह के ग्रोहों का तस्करा सुना। हिदायत का मज़मून था, हिदायत के मज़मून के तहत तीन तरह के ग्रोहों का तस्करा हुआ था, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर उसके बाद कुरान की दावत है, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा होगा जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो ये पांच सफ़ात जो हमने कोर्स टू में कवर करने हैं, यानी कि पहला पारा जो है उसका फर्स्ट क्वार्टर हम पढ़ेंगे। तो इन पांच सफ़ात का व्यू हमने देखा, इसमें किस तरह के मज़ामीन होंगे। तो इन पांच सफ़ात के इशारात को हमने अपने फिंगर टिप्स पर कैसे याद करना है, अपने हाथ को, दाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे, और अंगूठा हमारा पहला सफ़ा है, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो छोटी उंगली जो है ये हमारा पांचवा सफ़ा है। इसी तरह से जब हम कोर्स थ्री में जाएंगे तो इसे अपने बाएं हाथ इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये छोटी उंगली छठा सफ़ा कहलाएगा, सातवां, आठवां, नौवां और ये अंगूठा दसवां सफ़ा कहलाएगा। इस तरह से सेम इसी कंडीशन में जब हम फोर फाइव में जाएंगे तो फिर फोर में यही राइट हैंड आ जाएगा, फाइव में फिर लेफ्ट हैंड आ जाएगा। इस तरह से तो पहला सफ़ा हमने मुकम्मल किया था, जिसमें दो इशारात सूरतुल फातिहा से थे, उसके बाद सूरतुल बकरा शुरू की। तो पहले सफ़े के इशारात को हम अपने फिंगर टिप्स पर कैसे याद करते हैं? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। पहले दो इशारात सूरतुल फातिहा से और दूसरे दो सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात में से है। आज का जो सबक है, दूसरा सफ़ा जो हमने शुरू किया, उसके पहले दो इशारात हमने कवर किए थे, इन इशारात को रिवाइज करते हैं। क्या था? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। अब इस तरह से जो पहला इशारा है इस सफ़े का, ये सिर्फ और सिर्फ काफिरीन के मुतल्लिक था। इसमें बयान किया गया कि इनको हिदायत नहीं मिलेगी, यानी कि ये हिदायत के अहल नहीं है। इसके बाद जो दूसरा इशारा था इस सफ़े का, उसमें है मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, यानी कि मुनाफिकीन हिदायत के अहल नहीं है। लेकिन मुनाफिकीन के आगे बहुत सारी आयात के अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि मुनाफिकीन दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके वापस लौटने की उम्मीद है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पक्के हैं मुनाफिक, जिनको हिदायत नहीं मिल सकती है। तो आज का सफ़ा है काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। चार इशारात हैं इस दूसरे सफ़े के, आज इंशाल्लाह हम दूसरा सफ़ा मुकम्मल करेंगे। आज की जो आयत है उसका तारुफ लेते हैं, फसादी और बेवकूफ़। इससे पिछली आयात में क्या था, ये रब्त बहुत ज़रूरी है, ये जो कॉन्टेक्ट है पीछे आज के साथ वो बहुत ज़रूरी है। पिछली आयात में मुनाफिकीन का ही तस्करा था, अपने मोमिन होने का दावा करते थे कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, वो मोमिन नहीं हो सकते हैं। आगे उसकी वजूहत बयान होंगे, वो मोमिन कैसे नहीं हो सकते हैं। तो इनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारियाँ, ये दो बीमारी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, शक की बीमारी है और ख्वाहिश की बीमारी है। एक वजह तो ये बयान की गई थी, और दूसरी आगे बहुत सारी वजूहत आय के सबक में होंगी। तो आज की जो आयत है उसके असबाब को देखते हैं। सबसे पहले कि मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, लेकिन
उनके अजाम ये है, उनका गुमान ये कि हम जो है ना वो हम तो इस्लाह की नजरिए से ये बात कर रहे हैं, और दूसरा एक मुनाफिकीन बेवकूफ़ है क्योंकि उन्होंने आखरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है, जिन्होंने आखरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दिया, दुनिया के फ़ायदे को तरजीह दी है, तो ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल है। तो कुरान कितना आसान है, ये शायद हम देखते रहेंगे हर कुरान के पार्ट में कि कुरान कितना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने शुरू में बात की थी कि इस कोर्स में 3 या उससे कम नए अल्फाज मिलेंगे हर लाइन में तकरीबन औसतन, तो आप देख रहे हैं 3 या उससे कम नए अल्फाज हैं, और नए अल्फाज बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमें पहले से आते होते हैं या हमने किसी और जगह से सुने होते हैं या हम उसको उर्दू में या अपने लैंग्वेज में उसको यूज़ करते रहते हैं। नए से मुराद यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि आयात में हमने इससे पहले नहीं देखे, जो हमने आयात शुरू किए कोर्स 1 से अब तक हमने ये अल्फाज नहीं पढ़े थे। तो तर्जमा और शरह देखने से पहले आज के सबक की पहली आयत को सुनते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ। इस आयत में हमने देखा कि वह इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है, इज़ा के बाद एक लफ्ज़ जो है वो अंडरस्टूड होता है कि तुम याद करो उस वक़्त को जब ऐसा हुआ था, तुम याद करो उस वक़्त को, कीला जब कहा जाता, कहा कीला ये काला की तरह, काला का फेल हमने पढ़ा है काला यकूलू, उसी से काला से कीला आता है, ये कीला एक काला की एक नेक्स्ट फॉर्म है, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं उसको? पैसिव वॉइस कहते हैं। आपकी बुक में ये आखिरी लेसन में, बिल्कुल सबसे आखिरी लेसन है, उसमें ये कंसेप्ट दिया गया है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं और वैसे वहाँ जाकर इंशाल्लाह पढ़ भी लेंगे। कीला जब कहा जाता है, सिंपल इज दैट, आप इतना याद कर लें कि काला का मतलब है उसने कहा और कीला उसे कहा गया, ठीक है, कहने वाला मालूम नहीं कि किसने कहा है। तो कीला जब कहा जाता है, लहुम उनसे, ला तुफ्सिदू तुम फसाद ना करो, लहुम उनसे, ला तुफ्सिदू तुम फसाद ना करो। ये तुफ्सिदू क्या चीज है, आपको शक्ल से क्या नजर आ रही है, फेल है या इसम है? तुफ्सिदू ये फेल है या इसम है या हर्फ है? फेल है। तो फेल कौन सा हो सकता है, वैसे कोई आइडिया है? मुजारे है, मुजारे तो ये होगा ना, जैसे मिसाल तौर पे हम ये कहते हैं यकूलू है, यकूलूना है, तकूलू है, तकूलूना है, तो ये है फिर तो तुफ से दूर होना चाहिए था ना। नहीं, इसके शुरू में ला है, इसको कहते हैं ये फेल नहीं है। ये फेल क्या है? ये जमा का सीगा है, ला तुफ्सिदू। ये इसके आखिर में जो वाओ और अलीफ है ना, ये जमा की निशानी है, ये ला तुफ्सिदू ये वाला इशारा है। हमने ये पैटर्न अभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि इस तरह याद करने के फा कहाँ पढ़े क्या पैटर्न कौन सा है, कौन सा बाब है, बाब बताए ना कौन सा, अमर तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये मैं टिपिकल इसकी बात कर रहा हूँ कि ये पैटर्न पढ़ा हुआ है आपने, ये ला तुफ्सिदू फेल नहीं तो है, मैंने सिर्फ आपको इशारा बताया कि फेल नहीं तो है, लेकिन ये किस बाब से आता है? फतह से आता है, नासरा से, ज़ाराबा सामिया, ज़ाराबा से आता है, ये आपने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। सिर्फ मादा आप बता सकते हैं, फा सीन दाल मादा है, लेकिन ये पैटर्न नहीं पढ़ा, ये जिस पैटर्न पे आ रहा है वो नहीं पढ़ा आपने, वो कोर्स 3 में पढ़ेंगे, या आपने कहीं कोर्स 3 की किताब का मुताला तो नहीं किया पहले? अच्छा अच्छा मैं क्या एडवांस में आप ख्याल मुताला कर रहे हैं। तो ला तुफ्सिदू आपने पढ़ा, ला तुफ्सिदू है तुम फसाद ना करो, ठीक है। फिल आर्ज़ी ज़मीन में, फी का मन आप जानते हैं, पहले अल आर्ज़ ज़मीन को कहा जाता है ज़मीन। तो कालू उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं, तो कालू का मैंने काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, लेकिन जहां इसका तर्जमा क्या हो रहा है, वो सब कहते हैं। इस बात को बहुत गौर से सुनना, ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पे इसका तर्जमा वो कहते हैं, क्योंकि कहते हैं तो मुजारे का तर्जमा होता है, तो ये कालू माजी है, तो इसमें तर्जमा ऐसे क्यों हो रहा है, ये बात
आती है जहन में? आपने किसी बार में सूरह नसर पढ़ी थी, इजा जा नसरुल्लाह, वहां पर ये थोड़ा सा बताया गया था कि इजा की वजह से जा का माना चेंज हुआ है। उसका तर्जुमा क्या पढ़ा था आपने, इजा जा नसरुल्लाह, जब आ जाए अल्लाह की मदद, तो जा का मतलब वो आया, आ जाए मुजारे का तर्जुमा है, तो इजा की वजह से जा का माजी का तर्जुमा मुजारे में तब्दील हुआ है। ठीक है जी, ये पूरा जुमला एक है, इसका आपस में रब्त है। जब उनको ये कहा जाता है तो वो ये कहते हैं, ये पूरी बात होती है जब हम पूरी एक टॉक कर ले होते हैं तो पूरा सेंटेंस इसको कहते हैं, वो है इजा के। जब कहा जाता है उनसे ला तुसिबु जमीन में फसाद ना करो, तो कालू वो कहते हैं, तो ये इजा की वजह से यहाँ पर इसका तर्जमा ये आया है। अभी फिलहाल के लिए इतनी बात आपको याद होनी चाहिए कि इजा की वजह से ये कालू के तर्जमे में ये चेंज आया। ठीक है जी, इसके बाद इन नमा, वो कहते हैं इन नमा, इन्ना मा, ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। ये इन्ना मा, एक तो इन्ना आपने पढ़ा है, इन्ना बेशक, मा माने जो, नहीं क्या, मा के माने पढ़े, लेकिन ये जो इन्ना मा है ना ये इकट्ठा है, एक हरफ है। इसको अगर आप टुकड़े पूछे जाए, इन्ना मा नहनु लिखा हुआ हो तो आपसे पूछे जाए कितने टुकड़े, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इन्ना मा नहनु लिखा हो तो आप क्या कहेंगे, कितने टुकड़े हैं? तीन नहीं है ना, दो है जी। इन्नमा एक टुकड़ा है, नहनो एक टुकड़ा है, दो हिसाब से। ठीक है, ये बेसिकली तो आपको मैंने पहले बात बता दी कि इन्ना अलग होता है, इन्ना का माना बेशक आपने पढ़ा है, माँ का माना दो तीन पढ़े हैं माना माँ के, लेकिन इन्ना माँ जब आता है तो ये दोनों एक होते हैं, ये एक शुआर होता है। इन्नमा क्या का माना है, बस स्वायस के नहीं, एग्जैक्टली यही बात है, वन वर्ड। इन्नमा एक वर्ड है, अगर टुकड़ों का क्वेश्चन आ जाता है आपको किसी जगह पर होमवर्क में क्विज में, तो आप इसको एक टुकड़ा लिखेंगे। ठीक है, इन्नमा नानो बस, हम तो बस, हम तो बस मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। मुस्लिहून आपने पढ़ा है, मुस्लिहून से है मुस्लिहून बावन वाली जमा है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक बात समझ आ गई, ये तर्जमा था इसका। आगे देते हैं इसकी शरह में, क्या है कि मुनाफिकीन देखने में मुसलमान थे मगर अंदर से कुफर पर अमल करते थे। ये तो बात हम जानते हैं, देखने में मुसलमानों वाले सारे अमाल वो करते थे, जिस तरह मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रखते हैं, ऐसे वो भी करते थे, लेकिन अंदर से वो इस्लाम पर अमल नहीं करते थे। अच्छा, मदीना के आसपास जो ये ज्यादातर ये अमल शुरू हुआ है, जब मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो उस वक्त ये ज्यादा मुनाफिकीन शुरू हुए, क्योंकि मदीना के, जैसे हमने पिछले क्लास में बात की थी कि वहां पर बहुत सारे सरदार मौजूद थे यहूदियों के, तो उन्होंने बामरे मजबूरी उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, जो कि उन्होंने हकीकत में नहीं किया था, लेकिन ऊपर से इस्लाम कबूल किया। तो वो मदीना के अंदर जो सरदार थे उनके यहूदी थे, उनके पैरोकार भी थे अंदर अंदर से, लेकिन ऊपर से इस्लाम को कबूल किए हुए थे, तो इस्लाम के आगे में बिल्कुल भी वो मुखलिस नहीं थे। तो वो ऐसे काम करते थे जिससे मुआशरे के अंदर फसाद बरपा हो, ऐसे वो अमल करते थे। जब उनको मना किया जाता कि ऐसा तुम ना करो, तो कहते हम तो इस्लाह की गर्ज से करते हैं, हम ऐसा क्या करते हैं, हम तो इस्लाह की गर्ज से करते हैं। इस तरह इसकी बहुत सारी मिसालें हम अपने इस वक्त के मुआशरे में बहुत अच्छी तरह से हम जान चुके हैं। अब माशाल्लाह से जो वो सब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब उनसे कहा गया कि फसाद ना फैलाओ, तो बात मानने की बजाय दावा करते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो कुरान ने इनको क्या कहा है, अगली आयत में हम देखते हैं कि कुरान इनके बारे में क्या कहते हैं। तो आयत की बशर करते हैं, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये उनका जवाब आ गया। इसके बाद कुरान ने उनके इस दावे को कैसे रद्द किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली आयत मुकम्मल हुई है, दूसरी आयत देखते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना वलाकिन ला यशऊरून, अला, अला किसे कहते हैं, अला का मैंने जान लो, मुतवज्जे हो जाओ, किसी को मुतवज्जे करने के लिए अला जान लो। इन्ना हुम, इन्ना बेशक, हुम वो सब, इन्ना हुम बेशक वो, हुमुल मुफ्सिदून, ये हुम का लफ्ज़ दो दफा आया यहाँ पर एम्फेसिस पैदा करने के लिए कि ये वही लोग फसादी हैं, वही क्या हैं, फसादी हैं। हुम के में भी तर्जमा वो सब है और हुम का तर्जमा भी वो सब है, मुफ्सिदूना भी जमा के लिए आया हुआ है। तो ये जो
दो तीन दफा जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये एम्फेसिस अदा करने के लिए कि ये यही फसादी है जो इस्लाह करने का दावा कर रहे हैं, हकीकत में फसादी यही है। इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, बेशक वही फसाद मचाने वाले हैं। मुफ्सिद वो जो हमने ला तो उसी पढ़ा है उसी से आता है फेल, कौन सा फेल है मुफ्सिदून, कौन सा फेल मुफ्सिदून, कौन सा फेल है, फेल है इसमें हरफ है इस ये वाला इसमें ये बाउल वाली जमा है ठीक है। बेसिकली इसका जो वाहिद आता है ना वो आता है मुफ्सिद, क्या आता है मुफ्सिद, उससे मुफ्सिदून जमा का सीगा है। ये पैटर्न किसी त्री में पड़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हो गया हुमुल मुफ्सिदून, वलाकिन ला यशुरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वलाकिन का माना क्या है, और लेकिन, वाक माना और, लाकिन लेकिन, ला यशुरून वो शऊर नहीं रखते। यशुरून जो है आपने पढ़ा है फिर मुजारे का सीगा है यशुरून, उसको जब ला लगाया शुरू में तो मतलब ये है कि फिर मुजारे में, फिर मुजारे में कौन सा सीगा हुआ, ला ला यशुरून फिर मुजारे में नफी का सीगा है निगेट करने के लिए के, देखे ना शारा यशुरू यशुरूना, यशुरूना वो शुरू रखते हैं, ला यशुरून वो शुरू नहीं रखते हैं ठीक है। अमर क्या होगा इसका, शारा यशुरू का अमर क्या होना चाहिए, नसर यंसुर की तरह वो शुरू ठीक है, वो शोर नहीं रखते हैं। तो कुरान ने उनको वाज़ह तौर पर कह दिया कि फसादी ये लोग हैं। तो पहला जो इशारा, पहले लफ्ज़ हमने पढ़ा था कि फसादी और बेवकूफ ठीक है, तो फसादी का लफ्ज़ इससे पता चलता है कि यही फसादी है, यही क्या है फसादी। तो पहली दो आयतों में हमें पता चलता है कि जो इस इशारे का हमने नाम पढ़ा है वो यहाँ से हमें पता चलता। ये बड़ी अहम बात लिखी हुई है, ये सिस्टम मुफ्सिद क्या है, फाइल नहीं है, इसम फाइल, इसम फाइल है, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा, इसको आप ना कुरेदे, इसको कुरेदे नहीं है, ये आगे जाकर पढ़ेंगे। ये अगला पैटर्न है किसी थ्री का, नहीं मुफ्सिद नहीं मकबूल नहीं है, मुफ्सद होगा, मुफ्सद मुफ्सिद मुफ्सद भैया लगता है आप चाह रहे हैं कि एक तीर से दो शिकार कर लिए जाए ना, आप चाह रहे हैं कि एक तीर से दो शिकार किए जाए, किसी टू थ्री इकट्ठा पढ़ लिया जाए। चले जी अच्छा, ये बड़ी अहम बात लिखी हुई है, इस पर गौर करें। यह ऐसा मुस्लिम माशरा जहां कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो, वहां पे क्या होता है, फसाद ही होता रहता है ठीक है। अगरचे वहां के लोग बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हम मुहज्जब लोग हैं, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, लेकिन जहां पर कुरान और सुन्नत पर अमल ना हो उस माशरे के अंदर अमन नहीं आ सकता। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कुरान पाक में पहले पारे के आखिर में कुछ आयतें आती हैं, एक दो को पहले, उसमें इस तरह की आयत आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, कभी याद की कभी देखे वहाँ पे, उसमें यह कि रब्बी जाल हाजल बलादा आमिनन वरसुक अहलहु मिनस समरात, क्या है अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे और आगे क्या है फिर जो है इसके रहने वालों को रिज़्क़ की जाना वो ता फरमा। तो अमन का गहवारा कैसे बनेगा, वो जो हमने यहाँ पे बात पढ़ी है कि कुरान और सुन्नत पर जब अमल होगा तो अमन का गहवारा बनेगा। सिंपल सी एक फार्मूला है, आप दुनिया के अंदर कोई भी मशीन होती है ना, जब मशीन आप खरीदते हैं जाकर तो आप मशीन के साथ आपको एक गाइड बुक मिल जाती है कि आपने मशीन को कैसे चलाना है, इसको कैसे रन करेंगे, ऐसे रन करेंगे, इसको फलां फंक्शन ऐसा है फलां फंक्शन ऐसा है तो इसको करेंगे तो अभी मशीन सही चलेगी, अदरवाइज ही मशीन दुरुस्त नहीं चलेगी, इसमें खराबी आ सकती है। तो इस तरह से अल्लाह ने जब इंसान को एक बनाया है, इंसान एक मशीन है, ये सारे इसके पार्ट्स हैं ठीक है, उनके अलग अलग फंक्शन हैं, इनको कुरान अल्लाह ने एक दिया गाइड बुक के तौर पर, इसके मुताबिक चलाओगे तो ये मशीन सही चलेगी, अदरवाइज जो है ना। तो आज हम माशरे में देखते हैं इस चीज़ को, हमारे यहाँ पहले तो सुना करते थे, अब हम खुद से देखते हैं कि माशरे में कैसी बदअमनी है। तो उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि अनापरस्ती है और कुरान से और सुन्नत से हम दूर हैं। आयत को दोबारा देखते हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून,
दूसरी आयत मुकम्मल की है। अब हमने तीसरी आयत आज के सबक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ। आयत के ये जो तीसरी आयत है ये भी पहले से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। इज़ा क़ीला, ये वही बात हमने पहले पढ़ी है, और जब कहा जाता है उनको आमिन, तुम ईमान लाओ, आमिनु ईमान लाओ। ये आमिनु कौन सा फेल है या इसम है? ये वाला एक ये सीगा है, एक ये वाला सीगा है, ठीक है। ये जमा का सीगा फेल अमर में, पैटर्न अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको कोर्स थ्री में पढ़ेंगे। क़ीला, जब कहा जाता है उनको आमिनु, तुम ईमान लाओ, ये ऑर्डर है ना, ईमान लाओ, तो क्या कहते हैं? कमा माने जैसा के, जैसा कि आमन नासु, लोग ईमान लाए। आमना ये इसका माजी का पहला सीगा है, आमना इसी से है, आमिनू आता है, ठीक है। आमना ईमान लाए, अन्नास लोग, ईमान लाए लोग, अन्नास जमा का सीगा है। जैसा कि लोग ईमान लाए, तुम भी ऐसे ही ईमान लाओ। जब उनको कहा जाता है मुनाफिकीन को तो क्या कहते हैं? कालू, तो वो कहते हैं, कालू कहते हैं, ये तर्जमा आपको याद है, पिछली याद में हमने बात की थी इजाक पर, तो वो कहते हैं अनुमिनु। ये अनुमिनु जो है ये दो टुकड़े हैं, अनुमिनु में हमजा अलग है और नुमिनु अलग है। आ हमजा मैंने क्या, नुमिनु ये नहनु की जगह पे ये सीगा है नुमिनु। कमा आमना, क्या हम ईमान ले आए? कमा जैसा कि आमना ईमान लाए, अन असुफहा बेवकूफ, जैसा कि बेवकूफ लोग ईमान लाए, हम भी ऐसे ईमान ले आए, ये उनका आगे से आंसर है। तो आगे इसी को कंडम किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, इसको उनके इस दावे को कि तुमने बेवकूफ़ क्यों कहा है उनको, तो हकीकत में बेवकूफ़ यही लोग हैं। अला जान लो, इन्नहुम बेशक वो हुमुस्सुफहा, वही बेवकूफ़ है, बेशक वही बेवकूफ़ हैं। अस्सुफहा जो है बेवकूफ़ को कहा जाता है, ये जमा का सीगा है। आगे हम इसका इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, वो जानते नहीं है। पहले कहा था ला ये शऊरून, वो शऊर नहीं रखते, यहाँ पे ला यालमून, वो जानते नहीं है। इन वो जानते नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं, वो खुद ऐसे अमल कर रहे हैं, वो दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं समझ जानते कि हम खुद ही बेवकूफ़ हैं। तो ये आज को तफ़सील देखा। अन्नास, अन्नास मराद क्या है? जैसे कि लोग ईमान लाए, तो जब कुरान उतर रहा था उस वक्त लोग कौन से थे? जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त कौन से लोग थे? सहाबा इकराम थे उस वक्त। तो लोगों से मेरा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन है जो उस वक्त मौजूद थे, और जो सबसे ज्यादा सच्चे मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना भी है। उनका ईमान जो है वो मियार हक है, हक का मियार है, कि उन जैसा ईमान जो है वो हक का मियार है, उस तरह से ईमान होगा तो वो बहुत बड़ी बात है। मुनाफिकों से जब कहा जाता है कि उन जैसा ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम बेवकूफ़ जैसा ईमान है। यानी वो सहाबा इकराम को नौज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ समझते थे कि ये देखे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे बढ़ चढ़ कर उनकी पैरवी किए जा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। हम जब बड़े अकलमंद हैं कि हमने बड़ा अकलमंद रास्ता अपनाया, हमने ऊपर से इस्लाम लाया और बीच में से हम अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करते हैं, ये उनका एक किस्म का नज़रिया था उनका। दूसरी बात यह कि कालू अनुमिनु कमा आमनु सुफहा। अब मुनाफिकीन के जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि वो कहते थे कि जी जी बिल्कुल सही आपने बात की, आमना वाहिद है और अन्नास जमा है। ये अरबी के अंदर आप भूल के आगे रख पढ़ेंगे, ये किसी अरबी की किताब में पढ़ा होगा, जहाँ पर एक वर्ब होता है और आगे उसका उसको कहते हैं सब्जेक्ट होता है ना, फाइल जिसे कहते हैं। देखिए इसम फाइल और चीज़ है जिसका हम ये इशारा करते हैं, इसम फाइल, इसम मफ़ऊल, ये इसम होता है, एक होता है फाइल और मफ़ऊल। ये हमने अभी टर्म नहीं यूज़ कर रहे, हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चन 4-5 में जाएंगे, वहाँ पर ये टर्म यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई फेल का जो फाइल है या सब्जेक्ट है वो वाज़ह तौर पर आ जाए, तो उसके लिए वो फेल जो है वो वाहिद ही इस्तेमाल होता है। उसके लिए क्या फेल का क्या
तो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, फिर आपके प्रतीकल या अगर हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह से ना इंग्लिश के रोल तो मुझे नहीं है कैसे है कि, लेकिन अरबी के अंदर ये रूल है। अरबी के अंदर इसको ऐसे कहते हैं कि कोई भी फेल जिसका फाइल जो है इसका जिसका सब्जेक्ट आगे बजहर लफ्जों में मौजूद हो, क्योंकि बाज फाइल और बेहतर जैसे साथ मैंने कहता हूँ काला, उसने कहा, अब उसने कहा ये उसने का जो लफज है ना ये काला के अंदर होवा मौजूद है। अगर मैं कहता हूँ काला खालिदुन, खालिद ने कहा, फिर क्या होगा, अब काला के बाद जो खालिद है उसका जो सब्जेक्ट है उस वर्ब का वो वाज तौर पर मौजूद है। ठीक है, तो वाज तौर पर जब सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही यूज होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे आए पे हम शरा में बात कर रहे थे कि उनके लिए अपना पैसा पोजीशन बहुत अहम थी, नहीं उन्हें यकीन नहीं था कि सार मदीना के अतराफ दुश्मनों के दरमियान मुसलमान बच सकेंगे, क्योंकि बहुत सी चालें उन्होंने चली थी मुसलमानों के खिलाफ मदीना में रहते हुए। जैसे आपने देखा कि जंगे खंदक भी लड़ी गई मदीना में रहते हुए, ठीक है, और भी जंगे जो लड़ी गई हैं, तो इसलिए वो अब इस वक्त के मशरकों और यहूदियों से भी गहरे ताल्लुकात रखना चाहते थे, और वो इखलास के साथ इस्लाम की पैरवी करने वाले मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते थे। यानी कि उनके नज़दीक ये था कि एक बंदा, बहुत सारी जमातें होती हैं ना, तो हम कहते हैं जैसे आज हम देखते हैं कि इस जमात का पलड़ा भारी है, आज इसकी बड़ी वाह वाह है और ये जो है ना वो बड़ी टॉप पे जा रही है, तो मैं इसमें शामिल हो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कमज़ोर के साथ अगर मैं शामिल हो गया तो काल को अगर बुरा वक्त आएगा तो मुझे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो अगर ताकतवर के साथ मैं मिलूंगा तो मुझे कोई ओहदा मिल जाएगा, मुझे कोई पोजीशन मिल जाएगी। ये उनके नजदीक भी अहम था। ठीक है, तो अला इन्ना हो, मगर उनके मरने पर ही उन्हें अपनी बेवकूफ़ी और हमाकत का एहसास होगा। बला किल्ला या आलम, वो जानते नहीं है, और कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी में देख लिया कि मुसलमानों को कोई तबाह नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त उसके बाद मदीना में रहते हुए जंगे खंदक लड़ी गई और जंगे लड़ी गई, इसके अलावा बहुत सारे मामले हुए, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को बिलाखर फतह अता फरमाई, चूंकि उनके अंदर इखलास था, मुनाफिकीन के अंदर इखलास नहीं था, वो मुखलिस होकर इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहे थे, वो अपने दिल के अंदर जो शकूक व शुबहात थे ख्वाहिशात उसके मुताबिक अमल करते थे, लिहाजा वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो कौन से कामयाब हुए हैं, जो इखलास के साथ इस्लाम की पैरवी कर रहे थे। आयत को दोबारा देखते हैं, वह इज़ाक़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनू कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। तर्जमा देखते हैं, और जब इन्हें कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सुन रखो, बेशक वही लोग फसाद करने वाले हैं और लेकिन वो नहीं समझते हैं, वो शोर नहीं रखते हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। तो सुन रखो, खुद वही बेवकूफ़ है लेकिन वो जानते नहीं है, अभी वो जानते नहीं है कि हम ही बेवकूफ़ हैं। असबाक दुआ और फिनेंस देखते हैं, असबाक हमने देखे थे, मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। ये पहली आयत में हमने पढ़ा, दूसरी आयत में हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन बेवकूफ़ है क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है, ये उनकी बेवकूफ़ी है। आगे देखते हैं, ये दुआ क्या करनी है, अल्लाह इन्नी आऊज़ु बिका मिन शिक़ाक़ी व निफ़ाक़ के वसूल अख़लाक़। यानी कि हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे निफाक से मेरी हिफाजत फरमा और निफाक से मैं पना चाहता हूँ। किससे? बदबख्ती से, निफाक और बुरे अख़लाक़ से। बदबख्ती क्या है, जैसे एक मुनाफिकीन की बदबख्ती थी कि वो इस्लाम के होते हुए भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी वो इस्लाम को मुखलिस तरीके से उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे, तो ये उनकी एक किस्म की बदबख्ती ही है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे अल्लाह हमें बदबख्ती से पनाह अता फरमा, निफाक और बुरे अखलाक से पनाह अता फरमा। आगे जिंदगी का प्लान क्या करना है कि इंशाल्लाह मैं कुरान सुन्नत की रोशनी में अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की प्लान करूंगा इंशाल्लाह, कि मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ। क्योंकि हमने इस इन आयात में हमने ये बात पढ़ी है कि जब कुरान और सुन्नत पर अमल होगा तो मुआशरे में अमन आएगा, तो जब हर एक शख्स अपने तौर पर शुरू करेगा, अपनी ज़िंदगी में अमल करना शुरू करेगा, तो इस तरह से मुआशरे में भी अमन आता जाएगा। असमा और अफ़ाल को देखते हैं, असमा मुस्लिहून हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिहून और मुस्लिहीन जब आती है इसकी बारून या मुस्लिमा, इसके बाद है मुफसिदून
मुफसिद इसकी वाहिद है और मुफसिदून मुफसिदीन इसकी जमात है बानो और यानो से। इसके बाद है असफहा सफीहुन वाहिद है इसके बाद ये सफहा सफीहुन बेवकूफ और सफहा ज्यादा बेवकूफ। अब अफाल में दो तरह की चीजें हम देखेंगे, एक वो अफाल जो सेहतमंद हरूफ वाले अफाल हैं, दूसरे हम कमजोर वाले देखेंगे। सेहतमंद में कौन से आते हैं, शार या शोर नासर या नसर से है, ओशर शायर मशहूर और शोर नासरा से। इसके बाद है आलिमा आलिमा या आलम एलम आलिम मालूम और इल्म, ये बात सामिया से हमने सेहत महर वाला फेल हमने पढ़ रखा है। शारा नसर से आया और आलिमा सामिया से आया। इसके बाद कमजोर हरूफ वाले फाल कौन से इन आयत में आए, तो आयत के बाद पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि अस्मा में कौन से अस्मा इसमें। अच्छा अस्मा में हम मतलब क्या हमारा होता है, किस तरह से हम अस्मा कौन से देखते हैं। अस्मा हम वो देखते हैं कि जो इसम यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुआ उसकी वाहद क्या आती है, वो वाहद इस्तेमाल हुआ उसकी जमा क्या आती है, एक तेसर पार से। या बाज़ दफ़ा कोई ऐसा इस्म आ जाता है जिसका कोई अपोजिट इस्तेमाल होता है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं, वगरना अस्मा तो काफ़ी और भी होते हैं। इस तरह से कालू काला यकूल फिर पड़ा हमने, काला यकूलू उल काइल मफूल कौ, ठीक है काफ वाव लाम माता है इसका, और काले कुल का बाप कौन सा है, काला कुल कौन सा बाप है, नसर से है, तो नसर की तरह तो नहीं है ये काला, कमजोर पेट की वजह से है, इसमें तब्दीली आ गई है, इस वजह से इसका साउंड सेम नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ है, जिसमें हमने सेहतमंद हरूफ वाले अफाल भी देखे और कमजोर वाले अफाल भी हमने इसमें देखे हैं। अभी हम इसके साथ ग्रामर शुरू करेंगे आज के सबक की। ग्रामर में आज हम एक नया फेल सीखेंगे। आज के ग्रामर में सफा नंबर दो इशारा सी, दूसरा सफा हमने शुरू किया था, तीसरा इशारा इसका इशारा सी से मुराद है तीसरा इशारा, ए बी सी आगे डी आगे आएगा जो चौथा इशारा पड़ेंगे। आज के ग्रामर में कौन सा फेल है, दा दा का साउंड पहले हमने देखा है कभी पढ़ा है, दा ये फेल तो हमने नहीं पढ़ा ना पहले। अच्छा दा फेल इंशाल्लाह सीखेंगे, ये कुरान पाक में कितने दफा आ रहे हैं, तो दा अगर हमने सीख लिया तो हमने गोया कितने अल्फाज सीखने, 199 माशाल्लाह। देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि जब हम टीपीआई को सीखते हैं इसकी वजह से हमें कुरान पाक को सीखना समझना किस कदर आसान हो रहा है। वैसे अगर आप शुरू करते हैं, आप कहते हैं मैं कहीं से तफसीर पढ़ूंगा, तो तफसीर आप शुरू करते हैं पहले पारे से शुरू करते हैं, वो तफसीरी बातें लंबी लंबी शुरू हो जाती हैं, फिर तर्जमे शुरू हो जाते हैं, रट्टा लगाएंगे उसमें नोट्स बनाएंगे, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है ना, तो उसको मुकम्मल तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसमें आप कुरान पाक को बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। कमजोर हरूफ कौन से हैं, वाव या अलिफ, ये जो स्लाइड है ग्रामर के साइड में आपको हर लेसन में ये स्लाइडें नजर आएंगी ताकि आपको याद दहानी रहे कि ये कमजोर हरूफ हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में। वाव या अलिफ कमजोर हरूफ है, और कमजोर हरफ जिस फेल में आता है वो फेल कमजोर फेल कहलाता है। जिस फेल में कमजोर हरफ आ जाता है तो वो फेल क्या कहलाता है, वो कमजोर फेल कहलाता है। कमजोर अफाल के बारे में तीन बातें आज आपसे पूछनी है कि पहली बात कौन सी है, चार बाब में आती, एक तो बात ये हो गई, दूसरी आप बरदर से बताएगा कोई अच्छा, जब ये कभी ये गायब हो जाते हैं कभी एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो आप बताएंगे तीसरी बात कौन सी है, तीसरी बात कौन सी है, तीसरी तो बड़ी अहम बात है, वो तो आपको मैंने बताया था आखिर तक चलनी है कोर्स 4, 5 एंड सब कोर्स। पहली बात ये है कि चारों बाबों में से किसी एक पर आते हैं, ये बात सिर्फ कोर्स 2 के हद तक है, 3 में जाकर ये बात चेंज भी हो जाएगी,
इस तरह से दूसरी आप बात क्या है कि ये तब्दील हो जाते हैं, कभी एक दूसरे की जगह ले जाते हैं, कभी लोग गायब हो जाते हैं, कभी दोबारा वापस आ जाते हैं। ये जो है ये बात अगले कोर्सेज में भी काम आएगी जी। हाँ जी सबक हाँ, और ये सब तब्दीलियाँ सिर्फ इसलिए है कि आप इन्हें आसानी से बोल सके। हम कर सबक सबक क्या लेना है, एक दूसरे का सहारा बढ़ते हैं, ये सबक लेना हमें, ठीक है, टीम वर्क में काम करते, ठीक है ना, टीम वर्क में काम करना है, ये हमने सबक से। तीसरी अहम बात यह है कि जब कमजोर अफाल में माजी में अलिफ नजर आ जाए तो आप ये समझ जाए कि अलिफ मादा का हिस्सा नहीं है। अलिफ मादा का हिस्सा, अलिफ कमजोर हरफ है, ये नहीं बोलना आपने, ये इस बात को मिक्सअप नहीं करना कि अलिफ कमजोर हरफ तो है लेकिन मादा का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? ये अलिफ या तो असल में हाँ ये वाओ की बदली हुई हालत है या ये या की बदली हुई हालत है। अब किस जगह पर या की बदली हुई हालत है, किस जगह वाओ की बदली हुई हालत है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आम तौर पर कोस टू के जो टेबल्स हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे उसके हद तक इतनी बात जहन में रखें कि मोस्टली हमें फेल मुजारे में पता चल जाता है कि ये वाओ है या है। फिर मुजारे का जब पहला फेल हम पढ़ते हैं ये इशारा राइट हैंड से हम करते हैं, जैसे कॉल से यकूलू किया था, यकूलू में देखें कि आप या को जो मुजारे की अलामत है उसको अगर गिरा दें तो पीछे रह जाता है काफ वाओ लाम, तो वहां हमें पता चल गया कि जो माजी में अलिफ था काला में वो असल में वाओ था, ठीक हो गया। इस तरह से लेकिन कुछ ऐसे हम पढ़ेंगे अफाल किसी टू में भी जहां पर मुजारे में पता नहीं चलेगा कि अलिफ जो था माजी में ये असल में क्या है, वो आमतौर पर आखिर में जाकर पता चल जाता है, फिर मस्तर में या किसी और जगह पर जाकर पता चलता है कि ये अलिफ जो माजी में था ये असल में वाओ है या जा है, ठीक है। तो इसकी मिसालें समझ आ गई आपको, ये सारी जो कारा दा में लिखी हुई है, कादा ज़्यादा वगैरह में जो लिखी हुई है मिसालें। मैं सिर्फ किसी टू के अफाल के हद तक बात कर रहा हूँ कि मोस्टली ऐसे होता है कि आपको मुजारे में पता चल जाता है, लेकिन कई अफाल ऐसे भी आते हैं जैसे इस कोर्स के दरमियान में जाकर कुछ अफाल आएंगे जिसमें आपको मुजारे में पता नहीं चलेगा कि अलिफ था माजी में ये क्या है, असल में वाओ है या यार, तो आपको मस्तर में या किसी और सीगे में जाकर पता चलेगा। बारह दा आज का फेल है, दा से दा का मतलब क्या है, कमजोर हरफ, इसमें अलिफ है, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, ये आती है कुरान पाक में, उसने पुकारा, दा उसने पुकारा, एक है दुआ एक है दा, दा फेल है, दुआ क्या है, दुआ मस्तर है, दुआ या दावतुल ये मस्तर आता है, लेकिन दा जो है ये जबर के साथ ये फेल माजी। आइए इसका माजी सीखते हैं, माजी सीखे दा दाऊ दाऊदा दाऊदू दाऊदुम दाऊना, दा उसने पुकारा, दाऊ उन सब ने पुकारा, दाऊदा आपने पुकारा, दाऊदू ने पुकारा, दाऊतुम दाऊना सबने पुकारा। अच्छा यहाँ पर एक बात पूछनी है, ये देखें ये दा के बाद ना ये आया है दाऊ, आइन के ऊपर पेश क्यों नहीं आया, आगे पूछूंगा मजारे में पूछते, ये आप अभी पर्सनल जेब में रखें। अच्छा ये माजी समझ आ गया सबको, मारे भी बहुत ज्यादा सीखते हैं, हल दा क्या उसने पुकारा, नाम दा सेम आंसर आ जाएगा, जी हाँ उसने पुकारा, हल दाऊ क्या उन सब ने पुकारा, या उन सब ने पुकारा, नाम दाऊ या उन सब ने पुकारा, तो सामने के लिए क्वेश्चन करेंगे हल दाऊता नाम दाऊतू, अगर क्वेश्चन हो हल दाऊतू यानी देखें इसके बरक्स अगर क्वेश्चन हो जाए, अगर अगर ता का जवाब तू से आता है तो तू का जवाब ता से नहीं आएगा, ऐसे ही है ना, आएगा ना, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि मतलब आप अपने बारे में हल दाऊदू, मतलब मैं किसी को कहता हूँ कि आप गवाह है कि हल दाऊदू मैंने पुकारा, तो
तो आप क्या क्या जवाब देंगे? दाऊदा, नाम दाऊदा आगे ऐसे अवसर हल दाऊ तुम क्या आप सबने पुकारा नाम दाऊना जी हाँ हम सबने पुकारा। अरबी बोलचाल में हम इसको मजीद सीखने के लिए कुछ इसम साथ में लाते हैं, जैसे यहाँ पे मिला है अल्लाह, यहाँ पे क्या मिला है अल्लाह, असल में क्या है हल दा अल्लाह, तो मिला कर पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे हल दा अल्लाह, हल दा अल्लाह क्या तर्जमा है इसका, इसका तर्जमा क्या है, क्या उसने अल्लाह को पुकारा नाम दा अल्लाह, जी हाँ उसने अल्लाह को पुकारा। हल दाउल्लाह ये असल में क्या है, हल दाउ अल्लाह ये वाव के ऊपर जो पेश आया है ये पेश मिलाने के लिए है, ये पेश किस लिए है मिलाने के लिए, तो कैसे आप पढ़ेंगे हल दाउल्लाह नाम दाउल्लाह, जी हाँ उन सब ने अल्लाह को पुकारा। हल दाउतल्लाह क्या आप नाम दाउतुल्लाह, नाम दाउतुल्लाह जी हाँ मैंने अल्लाह को, हल दाउतुमुल्लाह यहाँ पर भी जो मीम के पेश नजर आ रहा है ये भी किस लिए है, यहाँ पर ये पेश भी मिलाने के लिए है, ठीक है ये दाउतुम ही है माजी का सिया, दाउतुम है मिलाने के लिए इसलिए पेश लगाया गया, नाम दाउनल्लाह, नाम दाउनल्लाह माजी समझ आ गया सबको अल्हम्दुलिल्लाह कहे ना, फिर ये इतना बड़ा लिखा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे अल्हम्दुलिल्लाह काम है। मुजारे में आपको कहा था मुजारे में वो प्रश्न करूंगा आप, मुजारे में प्रश्न करते हैं, ये चार चार पैटर्न है हमने पढ़ने, इनमें से किस पर आएगा, समय से नहीं आ सकता है तो दा या दा, दा या दू, दा या दई, तो कौन सा बेस्ट नास्ता कैसे पता चला हमें आवाज अच्छी नहीं, हाँ अरबों ने ये चूज किया ठीक है। अच्छा तो यदु जो है यदु ये कह रहे नासरा से आएगा ठीक है, यदु दा यदु, यदु ये यन सुरु का सौंग कैसे है, इधर ही हम ये बात करते हैं नासरा यन सुरु दा यदु का सौंग सेम नहीं आ रहा था, कमजोर हरफ की वजह से सौंग तब्दील तो हुआ है लेकिन असल में क्या था ये दोनों चीजें, क्या था दा असल में था दावा, क्या था दावा नासारा और यदु असल में क्या था यद ओहु यद ओहु लिख लें आप समझ आ गई लिख लें, बाकी आपको पीछे समझ आ गई सबको नहीं समझ आई हाँ ये जो है ना ये है दा दा समझ क्या है दावा ये नासरा है इस तरह से यदु 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 है तो यदु ये यदु यद शुरू की तरह ठीक है। यहाँ पर ये वाव माजी में जो है अलिफ से बदल गया है, उसकी रीजन ये वाली है, इसको हम तफसील से बयान नहीं करते लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये अलिफ से बदल गया है और बाकी यदु जो है ना ये वाव इसमें आगे जमा कर लिया यदु। बहरहाल मुजारे में आपको पता चल जाता है कि ये जो था हमारे पास माजी में जो अलिफ था वो असल में वाव है, यदु यदु वो पुकारता है, यदूना वो सब पुकारते हैं, तदरू आप पुकारते हो, अदरू मैं पुकारता हूँ, तदरूना आप सब पुकारते हैं, नदरू हम सब पुकारते हैं, तो यदू यदूना यहाँ पर वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको, आप यहाँ पे गौर करें तो ये बात आपको अगले आने वाले कोर्सेज में भी काम आएगी। दा के बाद है दाऊ जबर से जमा बना है ना, और ये यदू के बाद है यदूना यहाँ पेश से जमा बना है, तो एक टिप समझ लें या एक रूल समझ लें अपने पास, आप इस चीज को नोट करें कि जब वाहिद के अंदर आ का साउंड होता है ना
वाहिद में जब आ का साउंड हो या अलिफ का साउंड इसको लिख ले ये हो तो फिर जमा जब बनाते हैं तो वो जबर से बनती है। जमा किससे बनती है? जमा किससे बनती है? जबर से बनती है, ठीक है। और जब वाहिद के अंदर साउंड आ वगैरह का या अलिफ का साउंड ना हो तो जमा अलिफ से नहीं बनती है, जमा अलिफ से नहीं बनती है। तो यहाँ पर यह जो ऊ में अलिफ का साउंड नहीं है तो जमा किससे बनी है? पेश से बनी, ठीक है। बात ये आपको आगे आने वाले कई फेर के अंदर ये काम आएगा, ठीक है। ये बात यह कि जब वाहिद के अंदर अलिफ का साउंड हो, वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड आता हो तो जमा जब बनाएंगे तो वो जबर से बनेगी। जमा किससे बनेगी? जबर से बनेगी। और अगर वाहिद में अलिफ का साउंड आखिर में ना आता हो तो जमा पेश से बनेगी। अलिफ जबर से नहीं बनेगी तो जबर के अलावा पेश ही होती है आमतौर पर। तो दा से यद दाउ था तो यद ऊ से यद ऊ ना है, यद औना नहीं होगा, ठीक है। चले तो मुजारे हो गया, मुजारे को आप सीखते हैं अरबी बोलचाल में। हल यद ऊ नाम यद ऊ, हल यद ऊना नाम यद ऊना, ठीक है। इसके बाद है हल तदऊ नाम अदऊ, ठीक है। हल तदऊ ना नाम नदऊ, ये हमने मुजारे में अल्हम्दुलिल्लाह। अमर कैसे बनता है? दा यदु फिर मुजारे, माजी और मुजारे है दा और यदु, तो अमर किससे बनता है? किसका पेशेंट है? पहले तो ये बात क्लियर करें अमर बनना किससे है। दा से या यदु से या तदु से, तदु से ये जो सामने का सिवा था मुजारे में अंत वाला, नहीं ये वाला नहीं करे ना, अंता अंता वाला सीखा है तदरू, उससे बनता है। तो दो काम करने हैं, मुजारे की अलामत को गिराना है जो कि यहाँ पर ता है, आखिर को साकिन करना है। तो वाव तो पहले साकिन है, साकिन है ना, वाव पहले साकिन है। तो वाव कमजोर हरफ होने की वजह से, कमजोर हरफ भी है और साकिन भी है, तो उस वजह से वो गिर जाएगा। बाकी के कह रहा रहता है ये पढ़ा नहीं जा रहा ना, मुश्किल है। तो क्या क्या करें फिर, क्या लगाएं? अलिफ लगाएं, हमजा लगाएं, पहले दो बार अलिफ लगाएं, क्या शुरू में नहीं आता? अलिफ शुरू में नहीं आता, वेरी गुड। अलिफ शुरू में नहीं आता तो हमने शुरू में लगाना हमजा। यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि हमजा हमने पेश वाला क्यों लगा दिया? हम यहाँ पर जेर वाला नहीं लगा सकते थे या जबर वाला, अदरू कह देते, पेश वाला, हाँ पेश वाला हमजा इसलिए लगाया है कि ये बाब नासारा से है और नासारा का जो अफेयर माना था उनसुर आता है, इसलिए इसका यहाँ पर हमजा लगाना है, वो पेश वाला लगाना है, ठीक हो गए। याद आवाज से बताएंगे सबको, उदरू फिर अमर क्या है, उदरू आइए फिर अमर कहते हैं उदरू उदरू ला तदरू ला तदरू। ये जैसा कि अमर के अंदर आखिर में आप देख रहे हैं कि आइन है ना, ये आइन को लंबा नहीं करना, इसको खींचना नहीं पड़ते, उदरू नहीं करना, वो फिर जमा बन जाएगा। उदरू ये इसको थोड़ा सा खींचेंगे लंबा हो जाएगा, फिर इसका ला तदरू यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं खींचना, ला तदरू और ला तदरू, ठीक है। ये जो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका वो आपने ध्यान से इसको करना, याद तक समझ आ गया सबको बात, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। चले अरबी बोलचाल में उदऊ तू पुकार, क्या तर्जमा होगा इसका, आंसर क्या होगा? उदऊ तू पुकार, दाऊ तो नहीं होगा, नहीं दाऊ तो नहीं इसका तर्जमा आएगा, क्या मतलब? तो दाऊ तो मैं ही होता है ना, मैंने पुकारा, ये जो फेल अमर है या फेल नहीं है इसके लिए याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा फेल मुजारे से आना है। फेल अमर का या फेल नहीं का जब क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर माजी से नहीं आना, मुजारे से आना है। उदऊ अदऊ, ठीक है।
इसके बाद है उदरु, तुम सब पुकारो, नदरु हम सब पुकारेंगे, नदरु नहीं करना, नदरु करना है, ये जमा आएगा नदरु। उदउल्लाह क्या तर्जमा है? नहीं, ये तर्जमा क्या होगा? उदउल्लाह तो अल्लाह को पुकार, तो क्या अगर आप करेंगे इसका? अदउल्लाह, अदउल्लाह मैं अल्लाह को पुकारूंगा, उदउ अल्लाह, तो उदउल्लाह ठीक है। अच्छा ये देखें जरा, ये वाहिद और जमा में थोड़ा सा डिफरेंस, उदउल्लाह उदउल्लाह ये भी पढ़ने में एक ही आ रहे हैं लेकिन लिखने में डिफरेंट है। उदउल्लाह उदउल्लाह बेसकल तो है उदउ अल्लाह जमा के सीगे में, लेकिन उसमें साउंड तकरीबन सेम ही आता है, बहरहाल लिखने में इसको गौर करना होगा। नदउल्लाह अल्लाह को पुकार जी, ला तदउ तो मत पुकार, ला अदउ मैं नहीं पुकारूंगा, ला तदउ तुम सब मत पुकारो, ला नदउ हम सब नहीं पुकारेंगे। अब ला तदउ क्यों यहाँ पे, ला तदउ गैर अल्लाह क्या तर्जुमा इसका? अल्लाह के अलावा किसी को ला तदउ गैर अल्लाह न मत पुकार, तो क्या तर्जुमा आंसर जवाब? ला अदउ गैर अल्लाह मैं अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारा, ला तदउ गैर अल्लाह नदउ गैर अल्लाह, नदउ गैर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसम फाइल और इसम मफूल सीखते हैं, दाइन इसम फाइल क्या है? दाइन मदउउन दुआउन, दुआउन भी मस्तर है और दावतुन भी, दोनों तरह इसमें मस्तर इस्तेमाल होते हैं। हल अंता दाइन, हल अंता दाइन, नाम आना दाइन, जी हाँ मैं पुकारने वाला हूं। हल अंतुम दाऊना, नाम नहनु दाऊना, जमा का सीगा है, इशारा आपने जमा को राइट साइड पे बनाना है ठीक है। नाम नहनु दाऊना, अल्हम्दुलिल्लाह। मोनस का सीगा करते हैं, दा से दात, दा से दात, सिर्फ ता साकिन का इजाफा हुआ तो दात, असल में दा जो था ना, देखिए दा के आखिर में अलिफ है ना, ये अलिफ नजर आ रहा है दा, तो अलिफ तो वैसे भी साकन है, तो ता भी हमने साकन लगाना है, तो अलिफ तो गिर जाएगा ना, कमजोर हरफ होने की वजह से गिर गया है। ये बात समझ आई आपको या ये आपको क्वेश्चन नहीं नजर आया? ये क्वेश्चन नहीं नजर आया किसी को ये वाला कि दा से दात कैसे बन गया? मैंने कहा कि सिंपल आपने ता साकिन लगानी है, उस तरह क्या बनता है? दात। अगर ता साकिन लगाए तो क्या बनेगा? नहीं, आप ये देखें ना, ये दात ता साकिन लगा दिए, ऐसे बनना था ना, तो ये दात क्यों लिखा है? इसकी वजह ये कि ये अलिफ गिरा है। हाँ ये आपके जहन में बात होनी चाहिए ठीक है। दात बना, इस तरह से इशारा तो बाएं हाथ से हम करेंगे, इस तरह से दूसरा है तदउ अंत तदउ और हिया तदउ, एक ही होगा लेकिन इशारा डिपेंड है। आइए टेबल पूरा करते हैं जी, चले दा दाऊ दाऊता दाऊ दाऊतुम दाऊना, और हिया हुआ दा हिया दाद हुआ यदु हिया दादु। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमने मुकम्मल किया, एक दफा फिर दोहराने कि आप अपने छह चाबियां देख लेते हैं, दा يدعو ادعو داع مدعو دعاء। ये बात नजर आ रही है आपको, दाउ और दात यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? ये पता आपको, ये दाउ यहाँ पे इसलिए लिखा है, मैंने आपको ये टेबल के शुरू में बात बताई थी ना, मुझे मुजारे शुरू किया था,
कि जब वाहिद अलिफ से उसका साउंड हो एंड के एंड पे तो उसका जमा जबर से बनता है, ये वो वाली बात है। और दात में अभी मैंने आपको बात बताई पिछली साइड में दात कैसे बनना है, वहां पर भी अलिफ ये जो अलिफ है ना गिरा है ठीक है, और दाइन से दाऊना वो जमा होने पड़ी। क्या कह रहे ये दाइन वो वाला दो जेरे नहीं है जो आप समझ रही है, ये मुस्लिमिन वाली दो जेरे नहीं है जो आपने वहां पढ़ी थी ना मुस्लिमिन में, ये दाइन असल में है दाइयुन, दाइन असल में क्या है दाइयुन, इसलिए आप इन बहसों में ना पढ़े, मैं इसलिए आपको उधर ही लेके जा रहा, आप परेशान हो जाएंगे ठीक है। आप इसके सिंपल तरीके से ये दाइन में दो जेरे नजर आ रही है, ये मुस्लिमिन वाले जेरे नहीं है, आप बात समझेंगे कौन सी, तो ये भी इसम है ना, मुस्लिम इसम है इसम है ना, मुस्लिम के बारे में अगले किस तरीके के शुरू में आप पढ़ेंगे एक टेबल आएगा वहां मुस्लिम बकायदा इसम फाइल के तौर पर, मुस्लिम इस्लाम लाने वाला मुस्लिम और इस्लाम मस्तर आएगा वहां पे आगे पढ़ेंगे आप किस तरीके। तो सिस्टर आपका क्वेश्चन था ना दाइन में जो दो जेरे हैं ये मुस्लिमीन वाली नहीं है ठीक है, मुस्लिहीन वाली नहीं है जिसकी वजह से जानों में से जवाब बनती है, ये वो नहीं है ठीक है। ये कुछ अस्मा इसम फाइल जो उनके साउंड होते हैं, जैसे इसम फाइल के साउंड आपने पढ़े फाइलून का साउंड पढ़े आपने, जारिबुन नासिरुन सामियुन ये साउंड आपने पढ़े, इस तरह से इसम फाइल के कुछ साउंड आते हैं जैसे करीम है रहीम करीब, ये साउंड भी इसम फाइल के साउंड है ठीक है। और ये जो दाइन है आप इस तरह के बहुत सारे अपार, ये तो पहला है ना, ये पहला आपने पहला सवाल है जिसका इसम फाइल इस साउंड पर है दाइन आया, आगे किसी टू में भी बहुत सारे अपार आ रहे हैं, किसी थ्री में भी आ रहे हैं जिनका इसम फाइल इसी साउंड पर आएगा, जिनके नीचे दो जेरे आपको नजर आएंगे ठीक है। तो वो असल में क्या है वो मैंने आपको शार्ट से बता दिया, तो लेकिन वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा यहाँ वर्कबुक में क्वेश्चन है पहला अरबी बनाइए, बस उसने पुकारा अपने रब को, बस क्लिक है नहीं, पहले इसका बनाए कि बस उसने पुकारा दा फदा रब्बहू अपने रब को, क्योंकि उसी के बारे में बात है जो राइट हैंड पे रब्बहू उसने पुकारा अपने रब को, तो फदा को लिखेंगे कैसे, फा और दाल को कट्ठा लिखना ठीक है, फा दा रब्बहू ठीक है, सिंपल है इसमें। उसके बाद क्या उदऊ था जमा क्या है उदऊ, तुम सब पुकारो किसको, रब्बकुम क्या मतलब अपने रब को, तुम सब पुकारो अब क्योंकि का कौम आता है ना जमा कसी का, तुम सब पुकारो अपने रब को तजर्रुअन गिड़गिड़ा के ठीक है। अरबी में जवाब देना है, ये तीसरा सवाल है हल तदऊ रब्बा का, हल तदऊ रब्बा का नम अदऊ रब्बी, माशाल्लाह नम अदऊ रब्बी, टेबल आपने याद करना है दा की तरह तलाक का टेबल है, तो जैसे दा का पूरा टेबल आपने याद किया उससे ऐसे तलाक का भी पूरा टेबल आप लिखेंगे, वर्कबुक में सेम साउंड पर है, तो तलाक का टेबल जल्दी से बना लें चाहे वेट करेंगे लेकिन हम थोड़ा सा टेबल कर लें। चले तलाक तलाऊ और उसके बाद क्या है तलाऊता, ये है ना दाऊता तलाऊता तलाऊतु तलाऊतुम तलाऊना, और इसके बाद क्या है यतलू यतलू अतलू नतलू माशाल्लाह, और फिर हम क्या आएगा उतलू उदउ था ना उतलू उतलू ला ला तातलू ला तातलू,
पहला अमर क्या है सिस्टर बताए, आप बताएं पहला अमर क्या आएगा, इस सफार क्या आएगा, तालिन, ये वही बात ठीक है, दाइन तालिन, आगे बहुत सारे आएंगे इस तरह से, तालिन मतलूबुन तिलावतुन, तो ये तरह जो है उसने तिलावत की से है, तो और हुआ तलाता या तलत, हुआ यतलू या ततलू, तो पूरा टेबल आपने इसी साउंड पर लिखना है, चूंकि अरबी जो है ये साउंड की जुबान है, साउंड मैच करते हैं तो आगे उससे हमें सीखने में आसानी होती है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये होमवर्क आपने याद रखने, आपने अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने गौर करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स टू सफ़ा नंबर दो इशारा डी, दूसरे सफ़े से आखिरी इशारा है सफ़ा इशारा नंबर चार। कोर्स टू जब हमने शुरू किया था तो मुसहफ से हमने पहले पाँच सफ़ात हमने पढ़ने हैं, दूसरा सफ़ा इंशाल्लाह उसमें आज हम मुकम्मल करेंगे। सूरतुल बकरा हम शुरू कर चुके हैं और सूरतुल बकरा में एक बेसिक जो मज़मून है हिदायत का वो हम देखेंगे, उसमें तीन तरह के ग्रोहों का तज़किरा है, मुत्तकीन काफिरीन मुनाफिकीन, और इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई, तो उसके बाद पहले जो सफ़ात हैं पांच उनको अपने फिंगर टिप्स पर हम ऐसे याद करते हैं, ये हाथ का इशारा याद रखें, इसमें दायां हाथ और दायां हाथ को अपनी तरफ करना होगा तब इसके इशारात हमें समझ आएंगे। दूसरा सफ़ा आज का हम पढ़ रहे हैं, तो पहले सफ़े के इशारात का याद करते हैं, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरा सफ़ा हमने शुरू किया, इसके इशारात क्या हैं, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे, ये मुनाफिकीन के बारे में बात चल रही है, तो हमने आखिरी इशारा भी मुनाफिकीन के बारे में है, दो रुखे, तो मुख्तसर अल्फाज में एक ऐसे याद करेंगे इसको, काफिरीन मुनाफिकीन फसादी दो रुखे, काफिरीन मुनाफिकीन फसादी दो रुखे। आर के सफ़े का तारुफ लेते हैं, जो आर का सबक है हमारा दो रुखे, इससे पिछली आयात में भी मुनाफिकीन का तज़किरा है और मुनाफिकीन दावा करते थे कि हम इस्लाह करने वाले हैं और अपनी तरफ से बहुत होशियार बनते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ये उनके बारे में बता दिया कि मुसलसल उनकी तरफ से जो बद अखलाकी हैं वो कैसी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर बयान हो रही हैं। असबाक आर के सबक के बड़े अहम असबाक हैं आज की आयत के अंदर, मुनाफिकीन दो रुखे हैं और मजाक उड़ाने वाले हैं, दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। हमने इस स्टेज पर एक बात याद रखनी है कि हमारा कुरान से ताल्लुक कैसा है, हमने किसी बार में ये बात पढ़ी थी कि कुरान से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट भी है, और कैसे कौन से चार अल्फाज पढ़े थे, चार बातें पढ़ी थी, याद है किसी को, पर्सनल रेलिवेंट याद है? नहीं याद, चले याद किया का याद करके अगले हफ्ते। तो चार तरह का तल्लक है, उसमें बेसक ये है कि हमारा डायरेक्ट भी तल्लक है, और यानी कि जो आयतें आ रही हैं वो हमसे भी मुतल्लिक हैं, और अगर बाजार किसी और को भी बात की जा रही है तो वो भी हमें उससे सबक सीखना है। तो मुनाफिकीन दो रुखे हैं, हम मजाक उड़ाने वाले हैं, दूसरा कि अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है और वो नुकसान उठाने वाले हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। कुरान कितना आसान है, आए हर आयत में जैसे कि हमने कहा था तीन या उससे कम नए अल्फाज हैं, हम देखते हैं दो एक तीन तीन और एक, लेकिन इनमें भी बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे जो हम पहले से जानते भी होंगे। तर्जमा और शरह देखने से पहले आयत को सुनते हैं, आज के सबक की जो पहली आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم। وَإِذَا
लकुल व इजा लकु वाव का मैंने और इजा जब इजा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब लकु वो मिलते हैं लकु वो मिलते हैं लकु जमा का सीगा है ये वाला इशारा गायब का लेकिन इसमें ये पैटर्न अभी हमने पढ़ा नहीं है ये फेल हम पढ़ेंगे इस कोर्स के आखिर में लकु वो मिलते हैं लकु का तर्जुमा कैसे वो मिले लेकिन इजाक वाले से तर्जुमा है वो मिलते हैं लाकिया 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 आएगा लाम सामिया पे आगे फिर ये आएगा इस कोर्स के आखिरी लेसन में लक या लकू वो सब वो मिलते हैं अल्लज़ीना उन लोगों से जो ईमान लाए लोगों से जो ईमान लाए इन ईमान वालों से मिलते हैं कालू तो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए तो क्या कहते हैं हम ईमान लिया व इज़ा और जब खलऊ वो तनहा होते हैं खलऊ खलवत से है खलऊ मैंने तनहाई खलऊ वो तनहा होते हैं ये खलऊ भी इसी की तरह है जमा का सीगा है खलऊ खला खलऊ जब वो तनहा होते हैं इला तरफ शयातीन अपने शैतानों की जब अपने शैतानों की तरफ अलहदा होते हैं कालू तो कहते हैं कालू का वैसे तर्जमा क्या होता है उन्होंने कहा कालू तो वो कहते हैं ये तर्जमा शुरू में आने वाले इज़ा की वजह से क्या कहते हैं इन्ना माकुम इन्ना बेशक हम इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं इन्नमा नहनु हम तो बस इन्नमा हम पहले बात कर चुके इन्नमा हम तो बस मुस्तहज़ियून मजाक कर रहे हैं मुस्तहज़ियून मजाक कर रहे हैं ये मुस्तहज़ियून भी मुफ्सिदून की तरह है जमा का सिगा है इस्म फाइल में जमा का सिगा किसमें है इस्म फाइल में वानून वाली जमा है इसका वाहिद आता है मुस्तहज़िउन मुस्तहज़िउन मजाक करने वाला मुस्तहज़िउन मजाक करने वाले ये पैटर्न नहीं पढ़ा हमने किसी थ्री में पढ़ेंगे यहां तक बात समझ आ गई सबको अल्फाज की मीनिंग क्लियर है किसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फेल हमारे नहीं पढ़ चुके हैं इसमें लकू हमने देखा इसके बाद कालू है खलऊ है आगे देखेंगे अगर इसी लेसन में देखें हम किसी फोर या फाइव में जाकर के बात पढ़ेंगे कि कुछ रूप ऐसे होते हैं कि जब वो किसी इस्म पर आ जाएँ या वो किसी फेल पर दाखिल हो जाएँ उसकी वजह से उनके मीनिंग में तब्दीली आ जाती है एक तो एक बार मीनिंग में तब्दीली आती है और बाज़ दफ़ा उनके मीनिंग के साथ साथ उनके अल्फाज में भी तब्दीली आ जाती है अल्फाज में भी इनका जो हरकत है ना इस्म का या फेल के आखिर की जो हरकत है उनमें तब्दीली आती है इसकी एग्जाम्पल इंशाल्लाह मैं आपको किसी को बताऊँगा कि इसमें ये ज़बर देव कैसे आई जो इस समय फेर के आखिर में जो हरकतें होती हैं ना ज़बर ज़ेर पेस्ट जो है वो तब्दील होती है बाज़ दफ़ा इस वजह से उनके शुरू में कोई ना कोई हरफ आ जाता है तो हरूफ में बेसिकली खुद से कोई तब्दीली नहीं आती है लेकिन हरूफ तब्दीली का बायस बनते हैं फेल में या इसम में फेल या इसम के आखिर में जब हरूफ आते हैं या शुरू में आ जाते हैं उस उन शुरू में आने की वजह से फेल या इसम के आखिर में तब्दीलियाँ आती हैं बाज़ दफ़ा लफ्ज़ी तब्दीलियाँ आती हैं बाज़ दफ़ा मानवी तब्दीलियाँ तो ये मानवी तब्दीली है या तो हम देख चुके हैं हम इसके बाद मुस्तहज़िउन वैदालकुल्लज़ीन आमनू क़ालू जब ईमान वाले के पास जाते हैं ये मुनाफिकीन का तज़किरा हो रहा है कि जब ईमान वाले के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं हम ईमान ले आए हम ईमान वाले हैं और जब उनके पास जाते हैं और उनके अपने सरदारों के पास जाते हैं या शयातीन के पास जाते हैं जो अपने सरदार हैं उनके यहूद के बड़े बड़े उनके पास जाते हैं कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं मुनाफिक के बारे में क्या कहा मुनाफिक जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपने ईमान का ऐलान करते हैं हम ईमान वाले हैं खुद को ईमान वाला मुसलमानों का वफादार और दोस्त जाहिर करते हैं और वो ये सब मुसलमानों को धोखा देने के लिए करते हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान रहकर जो दुनिया के फ़ायदे मिल सकते हैं वो फ़ायदे ले लें दुनिया के भी फ़ायदे मिल सकते हैं वो फ़ायदे हासिल करने के लिए वो अपने आपको ईमान वाला जाहिर करते हैं ये मुनाफिकों का तर्ज़ अमल है अगली बात क्या करते हैं ये दूसरा उनका रुख है
वैजा खलौ, जब वो खलवत में होते हैं, अलग होते हैं अपने जो शैतानों की तरफ जाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, कालू कहते हैं इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये दोगलापन यही है, ये वाज़े आयत में आ गए ना, ये दोगलापन की बात, कि ईमान वाले के पास कहते हम ईमान वाले हैं, उनके पास कहते उनको कहते हैं हम आपके साथ हैं। अगली बात बड़ी अहम है इस आयत में, जो आखिरी हिस्सा है, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जो आयत का अगला हिस्सा है। तो उन जब सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम जो है आपके साथ हैं। अगला हिस्सा क्या है कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे हैं, ये नहीं हमने जो ईमान वालों को ये लफ्ज बोले हैं कालू आमन्ना, जो हमने उनके सामने जाकर कहा था, ये हम उनसे मजाक कर रहे थे, ये हमारा कहना उनको कि आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं। ये जो आयत का पहला हिस्सा है, कालू आमन्ना, कहते ये जो आमन्ना हम हमने उनके सामने जो आमन्ना कहा है, ये हम मुस्तहज़िऊन है, ये हम क्या है, ये तो हम मजाक कर रहे थे, ये उनके साथ हमने मजाक किया है। हकीकत में क्या है, इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हकीकत में हम क्या है, तुम्हारे साथ हैं, हमने जो उनको आमन्ना कहा ये अज़राही मजाक कहा है, लिहाजा हमारी उस बात को आपने सीरियस नहीं लेना है कि हमने उनके सामने जाकर ऐसे बात करी, तो इसको कहते हैं दोगलापन करना। ठीक है जी, ये इस आयत से समझ आ गए कि इस जगह जो इशारा है दो रुखे, दो रुखों को क्या कहेंगे, आप बताइए, दो रुखापन, ये अभी जो हम मुनाफिकीन के बारे में जो आगे बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी मुनाफिकीन की एग्जांपल है, मिसालें। ठीक है, तो दो रुखों को मुनाफिकीन कहते हैं, बेसिकली दो रुखों को मुनाफिक ही कहते हैं ना, कि मुनाफिक का लफ्ज आपने देखा ये निफाक से निकला है। ठीक है, और निफाक कैसे कहते हैं, क्या टनल जो है, ये बात आप देखिए, उसमें होता है क्या, दो रास्ते होते हैं टनल के, उधर भी उसका मुंह है, इधर भी उसका मुंह है। ठीक है, यानी कि दो मुंह वाला जो है उसको बेसिकली उसको कहते हैं टनल, निफाक इससे निकला है। ठीक है, तो ये तो इस आयत में जहाँ हमने पढ़ी ये बात, ये तो वाज़े अल्फाज में आ गई कि उनका उधर ये कहते हैं उधर ये कहते हैं। ठीक है, ये जहाँ पर बात, बाकी इनके और भी बहुत से मिसालें हमने अब तक पढ़ भी ली और आगे भी इंशाल्लाह आयत में हम पढ़ रहे हैं कि इनके अंदर ये बातें भी पाई जाती हैं। तो ये जो कसरत है, बेसिकली हमें इससे सबक के हासिल करना है कि ये जो कसरत है मुनाफिकीन की बयान हो रही है यहाँ पर, इनमें से कुछ हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती, अगर नहीं पाई जाती तो बहुत अच्छी बात, अगर पाई जाती है तो हमें इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो आयत को दोबारा देखते हैं, वैज़ा लकुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये खलौ जो है ये भी फेल है और ये जमा का सीगा है गायब में, आगे इसके हम छह चाबियां देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत अगली आयत है, अल्लाहु यस्तहज़िऊ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। जब मुनाफिकीन का जो अखलाकी गिरावट है वो इस तरह की है कि वो वाज़ह तौर पर मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं और उनके सामने ईमान वाला जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह उनके बारे में क्या कहते हैं, वो मुस्तहज़िऊन, उन्होंने कहा हम ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो ईमान वालों के साथ मजाक करना बेसिकली अल्लाह के साथ ही मजाक करना है। ठीक है, वो ईमान वाले जो हैं उनके जाते तो कोई हैसियत नहीं है, वो तो इसलिए उनको ईमान वाला कहा गया कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इसलिए आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को उन्होंने एक मान लिया है, वो अल्लाह की भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, तो बेसिकली अल्लाह के साथ आप मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह यस्तहज़िऊ बिहिम, अल्लाह उनके साथ मजाक करते हैं। अल्लाह यस्तहज़िऊ, यस्तहज़िऊ जो है फिर मुजारे का ये रस्सी का पैर रस्सी का यस्तहज़िऊ, ये पैटर्न नहीं पढ़ा हमने, किस तरीके का पैटर्न है, लेकिन इस तरह याद रखें ये फेल है और फेल मुजारे में सिंगुलर है। यस्तहज़िऊ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम उनके साथ, बिहिम उनके साथ, वा और वॉक मैंने क्या है, और यमुद्दुहुम, ये दो टुकड़े हैं, वा यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, ये कितने टुकड़े हैं टोटल, छह टुकड़े हैं। वा ये जो डिफरेंट कलर है ये एक एक टुकड़ा है, वाओ एक है, यमुद्दु एक है, हुम यमुद्दु फेल है
और यमुद्दु फिर मजारे का पहला है, इसका टेबल हम आगे देख लेंगे। इस तरह से फी तोगयान हिम, फी तोगयान हिम, ठीक है। अल्लाह को डील देता है, मद्दा मैंने खेचना, खेचना किसी को डील देना, ठीक है, ठीक है, उनको खेचना, उसको मजीद देना, डील देना, मोहलत दे दे जाना। फी तोगयान उनके सरकशी में, उनकी सरकशी में मजीद उनको बढ़ाया जा रहा है। या महून वो बढ़ के, या महून का मना क्या है, या महून ये फेर मुजारे में जमा का सीगा है गायब में, फेर मुजारे में जमा का सीगा है गायब में। ये फेर अभी हम इसकी शेजारियाँ देखते हैं, इसका मना भटकना, आमिहा या माहू या महूना, आमिहा या माहू, ये सामिया का पैटर्न आता है। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, मजाक कैसे है, यानी दुनिया में तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह उनसे कितना सख्त नाराज़ है, उनके अमरों की वजह से कितना नाराज़ है, लेकिन जब उनकी दुनिया वाली जो धोखे की आंख बंद होगी, हकीकत की आंख उनकी खुलेगी, तब उनको पता चलेगा कि अल्लाह उनसे कितना सख्त नाराज है, उनके इस अमल से, वो जो अमल कर रहे थे अल्लाह उनसे कैसा नाराज है, कि उनको उस वक्त पता चलेगा। क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में कुरान की आयत है, इन्नल मुनाफिकीन फिद दरकिल असफल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में, जहन्नम के सात दर्जे हैं, उसमें सबसे निचला जो दर्जा उसमें क्या है, मुनाफिकीन है। तो ये उनका अंजाम है, अल्लाह हमें इससे महफूज करना। क्या चीज, नहीं सेम चीज है, लेकिन मुनाफिकीन की आगे उनकी सिफात है किस्म की, यानी कि उनके बारे में उनकी मुख्तलिफ किस्म की आदात जिक्र की जा रही है, कि वो दो रुखे भी होते हैं, मुनाफिकीन फसादी भी होते हैं, मुनाफिकीन बेवकूफ़ भी होते हैं, ठीक है, ये सारी उनकी सिंबल है। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी आयत हमने मुकम्मल की है। ये आयत जो अगली है ये अगले सफ़े में आ रही, लेकिन यहाँ पर इस आयत का मज़मून चूँकि मुकम्मल होता है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, उलाइका यही वो लोग हैं, उलाइक हमने पहले पढ़ा है, यही वो लोग हैं, वो सब के लिए आता है। अल्लज़ीना जिन्होंने, अल्लज़ीना हमने पढ़ा, इश्तरौ ये लफ्ज़ क्या है, इश्तरौ, इश्तरौ कौन सा सिका हो सकता है, फेल है इसम है, ये वाला नहीं है, ये माजी का, इश्तरौ माजी का सिका है, माजी में गायब में जमा का सिका, जमा गायब का, ठीक है। इश्तरौ उन्होंने खरीद लिया है, इश्तरौ उन्होंने खरीद लिया है, अज़दलाला गुमराही, अज़दलाला गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले, बिलहुदा हिदायत के बदले में उन्होंने खरीद लिया है। फमा रबिहत, फमा पस नहीं, यहाँ पर जो मा है नहीं के माना में है, पस मा रबिहत, रबिहत हिया वाला सीगा है लेफ्ट हैंड से, रबिहत रबिहा रबिहत, नहीं नफा दिया, नहीं फायदा पहुंचाया, तिजारत हूँ उनकी तिजारत ने, उनकी तिजारत का लफ्ज जो है वो मोनस इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसकी जगह पर राबिहत आया है। क्या है, जो फेल आया है इसके लिए राबिहत आया है, क्या कह रहे हैं, नहीं सिंगुलर भी है लेकिन मोनस की बात हम कर रहे हैं, राबिहत, ये जो लेफ्ट हैंड मोनस का लफज यहाँ पर फेल आया है, इसलिए आया है कि आगे जो तिजारत का लफज है ये इसका बन रहा है ना फाइल, इसका सब्जेक्ट बनता है, तो वो क्योंकि मोनस है इसलिए इसको मोनस मार दिया। उनकी तिजारत में वमा कानू मुहतदीन, और वो ना थे हिदायत पाने वाले, वमा और वो नहीं थे, कानू काना कानू वो थे और वो नहीं थे मुहतदीन हिदायत पाने वाले, मुहतदून मुहतदीन ये जमा कर सीखा हमने पढ़ा, मुहतदीन इसके बाद आती है, मुहतदून और मुहतदीन इसकी जमा आती है। ये एहतदा एक फेल है, हम किसी थ्री में पढ़ेंगे, उससे इसम फाइल में जमा का सिगा आता है, नहीं पास तो नहीं है ये, नहीं काना तो पास है, काना के बाद फेल मुजारे तो नहीं है ना, काना के बाद फेल मुजारे होगा तब माजी इस्तमरारी बनेगा, ये मोहतदीन जो है ये इसम है ना, ये इसम फाइल है, अगर यहां पर फेल मुजारे होता कानू या मलून होता तो फिर हम कहते कि ये माजी इस्तमरारी का तर्जमा, यहाँ पर हिदायत पाने वाले इसका तर्जमा हो रहा है, हिदायत पाने वाले
है वो इस सफा के तर्जमा होता है। यहां तक समझ आ गई बात सबको? तो हुदा हिदायत को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है यहां पर ये वाक्य को वो यकीनी तौर पर नुकसान उठाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया है, क्योंकि उनको हिदायत दी गई थी लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की और उन्होंने उस हिदायत के बदले में किसको चूज किया है? गुमराही को चूज किया है। तो उन्होंने जो सौदा किया है ये सौदा उनका जो तजारत की है ये नफामंद नहीं हुई है, ये उनकी तजारत नुकसान दे हुई है। उन्होंने जो हिदायत के बदले में गुमराही को चूज किया ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो आखिरी दाम में जहन्नम होगा। वाज तौर पर वो गलत रास्ते पर है। ये वाज तौर पर गलत रास्ता इसलिए है कि जब वाज तौर पर वो इस्लाम के मुखालिफ अपने सारे अमाल कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से मुसलमानों का रूप धारा हुआ है तो वाज तौर पर वो गुमराही के रास्ते में, लेकिन अभी उनको पता नहीं चल रहा। उनको पता कब चलेगा? जब वो हकीकत की आंख उनकी खुलेगी तब पता चलेगा उनको मरने के बाद, लेकिन उस वक्त पता चलने का कोई फायदा नहीं होगा। एक हदीस लेते हैं इस तरह की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की तीन अलामतें। ये मशहूर हम सुनते हैं ये हदीस, मुनाफिक की तीन अलामतें कौन सी हैं? जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ वर्जी करे, और जब उसको अमीर बनाया जाए तो वो खयानत करे। तो बात करें वो झूठ बोले, उसमें से पहली बात इस आयत में हमने पढ़ी है कि उनको कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन हकीकत में ईमान नहीं लाए हैं, एक बात। फिर इससे पहले जितनी याद हमने फसाद के बारे में पढ़ी, हमने जिसमें कहा था ईमान लिया हो उसमें भी उन्होंने ये अमल किया। तो ये बातें किस में आ जाती हैं? झूठ बोलने में आ जाती हैं, वादा खिलाफी भी है और खयानत करना भी है। आगे इसकी और भी मिसालें आ जाएंगी। ठीक है, ये हदीस हम माफी के बारे में जान चुके हैं। कभी किसी को हर के मुनाफिक नहीं गए। क्या हम किसी को मुनाफिक कह सकते हैं? हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते। इसकी वजह कि ये निफाक दिल का मामला है और दिल के मामले को अल्लाह ताला बेहतर समझता है कि उसके दिल में क्या है, इसलिए हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये मुनाफिक है। अलबत्ता तर्ज अमल से हम कहते हैं बाज़ दफ़ा कि इसका तर्ज अमल मुनाफिकों वाला है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं कहना चाहिए। उलाइक अल्लज़ीन अश्तरौ अद्दलाला बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तर्जमा करें इसका। पहली आयत हमने क्या पढ़ी थी तर्जमे में? और जब वो तुम्हारे साथ हैं, मजाक कर रहे थे, यानी हमने उनसे जो कहा वो मजाक कर रहे थे। अगली आयत क्या है? पाने वाले, ठीक है जी। तो ये हमने आयत पढ़ी, इसका सबाक और दुआ प्लान देखते हैं। सबाक में मुनाफिकीन दो रुखे हैं, हमें समझ आ गई, और मजाक उड़ाने वाले मुस्तहज़िऊन का लफ्ज़ से हमने वहाँ पे पढ़ लिया। अल्लाह उनको उनके सरकशी में बढ़ाता है, वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। दुआ क्या करनी है? अल्लाह ताला मुझे निफाक से बचा और मुझे सच्चा मोमिन बना, कि मैं सच्चे दिल से जो है वो इस्लाम को कबूल करूँ। लोगों के साथ खैरखाई का मामला करने में मेरी मदद फरमा, और इंशाल्लाह मैं हर किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अस्मा बहुत आसान है, शयातीन शैतान की जमा है, और इसके बाद है मुस्ताज़ीऊन, मुस्ताज़ीऊन वाहिद है, मुस्ताज़ीऊन इसकी आती है जमा आती है यारून से वानून से, ठीक है। इसके बाद है मुहतदीन, मुहतदीन वाहिद आएगा हिदायत पाने वाला, और मुहतदून और मुहतदीन इसकी जमा आएगी वारून यारून से। इसके बाद है तीन अरबी अफाल में से जो सेहतमंद अफाल हैं, आमीहा या महू पढ़ा ना उससे, आमीहा या माहू ए माह आमीहुन डैश और आमाहुन। डैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका इससे मफूल इस्तेमाल नहीं होता है। आमीहा का मतलब क्या पढ़ा हमने? वो भटका, वो अंधा हुआ, मुराद से भटका। इसके बाद है और कमजोर अफाल में, कमजोर अफाल में दा की तरह खला, खला फेल हमने पढ़ा, खला खलऊ, खलऊ आया था ना, खला खलऊ, उसी से दा की तरह दा, हमने इससे पिछले लेसन में पढ़ा था दा, फिर पढ़ा था तला, इसके बाद एक और याद कर ले खला, ठीक है।
ठीक है, तो ये भी सेम उसी सॉन्ग पर आएगा, दा और तला के, खला खलऊ खलऊता, इस तरह से खला या खलू ओखलू खालिन डैश खलू, साथ से इशारे करें खला या खलू ओखलू खालिन डैश खलूबुल भी वस्त्र आ सकता है और खलूबतुल खुलबतुल भी आता है, खलूबुल और खुलबतुल दोनों तरह। अच्छा, ये इसके साथ एक और चीज है, बड़ी अहम बात है, ये दा लिखा हुआ है इसके साथ, ये दा बाब से आता है खला जो है, दा दा जैसा है, मतलब क्या है कि जैसा कि दा का बाब नासर है तो खला का बाब भी नासर है, लेकिन यहाँ पे दा लिखने का मकसद क्या है कि दा इसके लिए कोड है, क्या है कोड है, चाबी है, यानी जैसे हमने दा खला तला ये सारे अफाल एक साउंड पर पढ़े हैं, तो सबसे पहला जो हमने फेर पढ़ा वो दा पढ़ा है इस साउंड पर, इसलिए दा बाकी आने वालों के लिए क्या बनेगा, चाबी बन जाएगा, उन बाकी वालों के लिए कोड बन जाएगा, या उनके लिए सब बाब कहलाएगा, इसको सब बाब भी कहते हैं और इसको कोड भी कहते हैं। इस तरह और भी आएंगे अफाल, जैसे हमने काला में बात की थी कि काला नसर से है, तो काला के बाद आने वाले अफाल जो सौन पर आते हैं काना और ताबा जाका माता और कामा, ये अफाल सेम काला के सौन पर आते हैं, तो काला सबसे पहला फेर हमने पढ़ा था जो कि नासरा पैटर्न पे है, तो काला इन सब के लिए कोड बन जाएगा, जैसे काला का बाब नसर है तो इन सब का बाब भी नसर है। सेम इस तरह से दा के बारे में बात आप समझ लें, आगे और भी कुछ अफाल ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर हमें ये बात समझनी पड़ेगी, इसको कहते हैं कोड, ये किसका आइकन है, कोड का, दाल आइन पूरा दा नहीं लिखा, ये दाल और आइन लिखा जाता है, इसका मतलब है दा मुराद है इससे, तो दा इसका कोड है, बाब इसका भी नसर है, खला का भी और दा का बाब भी नसर है, क्लियर है बात, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारा आज का सबक है जो कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ, इसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रामर, आप लोग थके तो नहीं है, मुझे लग रहा है चाय पीने के बाद तो फ्रेश होता है बंदा, आप लोग फ्रेश तो नहीं हुए नजर आ रहे मुझे, चले गला तो मेरा खराब था, आप लोगों का तो खराब नहीं, आप लोग तो चुस्त होना चाहिए था, चले थोड़ा सा और वेट कर ले, बस एक लेसन रह गया। ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे हदा, कौन से चौबीस सीखेंगे हदा, हदा ये सफर नंबर दो है और इशारा चौथा इशारा है डी, इसमें हदा का फेल इंशाल्लाह जब हम सीखेंगे तो हम गोया कि कुरान पाक में आने वाले 161 अल्फाज को सीख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हदा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, कमज़ोर हरूफ जानते हैं सब लोग, ये भी जानते हैं, इसका क्या मतलब है इस लाइन का, वो तो ये कमजोर हरूफ जिस फेल में आएंगे उस फेल को कमजोर फेल कहा जाएगा, क्लियर। तीन बातें अब नहीं बोलनी चाहिए, पहली बात चारों बाबों में से किसी एक में आएंगे, दूसरी बात कभी गायब हो जाते हैं कभी एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं, यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं, तीसरी बात हाँ जब अलिफ आज माजी में तो अपने परेशान में अलिफ को समझना वो भाव है असल में या जा है। ये जो चार्ट है हमारे सामने ये ऐसा आस्ता बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं इसके शुरू में थोड़े से अब बाब थे अब ज्यादा होते जा रहे हैं, फातहा पे हमने वहाबा पढ़ा है, इस तरह से नासर से हमने काला पढ़ लिया, दा भी आज पढ़ लिया, इसके बाद हमने दौराबा पैटर्न पर वादा पढ़ा है, फिर ज्यादा पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे हदा, इसमें और सामयाबी अभी हमने कोई नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह अभी आगे पढ़ लेंगे। हदा आज का फेल है, हदा मैंने उसने हिदायत दी, उसने हिदायत दी, इहदिन सिरात मुस्तकीम में हमने ये याद किया था, इहदी में जो है ना ये वाला इशारा है, इहदी फेल नंबर इहदी ना क्या मतलब तर्जुमा कैसे, तू हिदायत दे ना हमें, तो हमने ये बात वहां सीखी थी तो आज भी इंशाल्लाह देखते हैं। हदा उसने हिदायत दी, हदाऊ उन सब ने हिदायत दी, बेसिकली जो हदा का टेबल है हदा के मीनिंग जो है उसने हिदायत दी, हिदायत देना अल्लाह का काम है लेकिन हम इसको बतौर टेबल की हम सीख रहे हैं, डायरेक्शन हमें समझ आ रहे हैं और हिदायत का मैंने रास्ता दिखाना भी होता है। हदा हदऊ हदईता हदईतु हदईतुम
हदईना, इशारे करे सब लोग, तब समझ आएगी बात, तब मुझे पता चलेगा आप लोगों को बात समझ आ रही है। हदा लाउडली थोड़ा पढ़े, हदा हदाऊ हदईता हदईतू हदईतुम हदईना। ये बात याद है यहाँ पे कोई, ठीक है, हदा से हदाऊ, दा दाऊ हदा हदाऊ, तो अलिफ का साउंड आया था, तो इसी जमा बनी है जबर से। ओके, तो आगे चलते हैं, इसको अरबी बोलचाल सीखते हैं। हल हदा, नहीं ये मा हदा आ जाएगा, ठीक है, हदा का मतलब है हिदायत देना, तो इसको हम इस सेंस में ले रहे हैं कि अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, तो हम इसको निगेट कर लेंगे। तो माजी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मा, माजी का क्या यूज करते हैं, माजी के लिए हम मा का इस्तेमाल करेंगे, मा हदा, उसने हिदायत, क्या तर्जमा है इसका, उसने हिदायत नहीं दी, मा हदा। हल हदौ, मा हदौ, यहां पर भी मा आ जाएगा, मा हदौ, उन्होंने हिदायत नहीं दी। हल हदईता, मा हदईतु, हाँ मा के इशारा ऐसे कर लेंगे, मा हदईतु, मैंने हिदायत दी। हल हदईतुम, हाँ मा ऐसे नफी के लिए, ऐसे मा हदईना, हमने हिदायत नहीं दी। तो यहाँ पर तक तो था हिदायत का, ये जो माजी हमने सीखा है, माजी को हमने अरबी बोलचाल में सीखा है, यहाँ पे नफी के लिए, माजी में आमतौर पर निगेट करने के लिए मा का इस्तेमाल होता है और मुजारे के लिए ला का इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुजारे क्या होगा, हदा यहदा, हदा यहदू, हदा यहदी, कौन सा आएगा, ज़ाराबा, ज़ाराबा आएगा, चूंकि ये पढ़ना भी आसान है, आसान है, और यहदी, हदा यहदी, मुजारे सीखते हैं, यहदी क्या तर्जमा है, वो हिदायत देता है या देते हैं, और इसके बाद क्या है, यहदूना, वो समझ आ जाते हैं, तहदी अहदी तहदूना नहदी, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात आप याद रखें, यहदी से यहदूना बना है, यहदौना नहीं बना, दाल के ऊपर जबर नहीं आया, पेश आया, यहाँ पर वही बात आप दा वाली याद रखें, यहाँ पर यहदी में अलिफ का साउंड नहीं है, इसलिए यहदूर। इसके बाद मुजारे तो नहीं हमें पढ़ा, हाँ हिदायत देने वाला सवाल, तो यहाँ पर मुजारे, इसलिए हम यहाँ पर नफी के लिए यूज करेंगे, हाल यहदी, क्या वो हिदायत देता है, मुजारे के लिए क्या आएगा नफी करने के लिए, ला, ठीक है, ला यहदी, वो हिदायत नहीं देता। हल यहदूना, ला यहदूना। हल तहदी, ला अहदी, मैं हिदायत नहीं देता, ठीक है। हल तहदूना, ला, ला नहदी, जमा करिए, ला नहदी आएगा, हम सब हिदायत नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए ऊपर ये लिखा गया हिदायत देने वाला अलसिर्फ अल्लाह, इसलिए हमने इसको नफी के लिए यूज किया। हल यहदी अहदन, ये वाला इशारा है, हल यहदी, हल यहदी अहद का तर्जमा क्या होगा, क्या वो हिदायत देता है अहदन, किसी एक को, अहदन किसी एक को, क्या वो हिदायत देता है किसी एक को, ला यहदी अहदन, वो किसी एक को हिदायत नहीं देता। हल यहदून अहदन, क्या वो सब किसी एक को हिदायत देते हैं, मुजारे का इशारा कौन सा होता है, राइट हैंड से ये वाला इशारा, ये जो लेवल है ये माजी का होगा, ठीक है, मुजारे में ऊपर चले जाएंगे, मुजारे में थोड़ा सा जो साउंड है ऊंचा हो जाता है, यहदी, हल यहदून अहदन, क्या वो सब हिदायत देते हैं किसी एक को, ला यहदून अहदन, किसी को हिदायत नहीं देते। हल तहदी अहदन, ला अहदी अहदन, हल तहदून अहदन, ला नहदी अहदन, यहां तक समझ आ गया, कोई मुश्किल हो तो आप क्वेश्चन कर लिया करें। हदा यहदी समर कैसे बनाएंगे, तहदी से, सबसे पहले क्या किया, ता को गिरा दिया मुजारे की अलामत होने की वजह से, आखिर को साकिन करना है, तो यहाँ पर आखिर पहले से ही साकिन है, जो कि या है, आखिर पहले से साकिन है, तो क्या होगा फिर, नहीं या के साथ क्या करें जी, नहीं या को, ये इस या को क्या, नहीं ये गायब क्यों होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों गायब होगा,
साकिन है। देखें हमने दो बातें पढ़ी ना, पहले मुजारे की इलामत को गिराना है, आखिर को साकिन करना है। मुजारे की इलामत गिरा दी, आखिर को साकिन करना था, आखिर पहले से साकिन है और फिर कमजोर हरफ भी है तो वो गिर जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा। हाँ अब पढ़ना मुश्किल है तो क्या लगाएंगे शुरू में, हमजा लगाएंगे, कौन सा हमजा लगाएंगे, जेर वाला क्यों लगाएंगे, दारा बाबे माशाल्लाह, ये आपने बात याद रखनी है, दारा बाबे दाराबा यज़रिबु इज़रिब था, यहाँ पे इह दिया आएगा, यानी कि यहाँ पर हमजा जेर वाला आएगा, क्लियर है बात, इहदी मतलब तो हिदायत, उसी से इहदिनस सिराद मुस्तकीम, इहदी इहदू ला तहदी ला तहदू, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हादिन हादिन का मतलब क्या है, हिदायत देने वाला, महदीजुन हुदन और हिदायत, दोनों तरह मस्त इस्तेमाल होते हैं। तो हादिन जो है ये वही साउंड सिस्टम आ रहा है दाइन वाला, दाइन फालिन तालिन हादिन, ठीक है ये इस फाइल का एक साउंड है, इसको डिटेल में हमने सीखते हैं फिर आप परेशान होंगे। हादिन असल में हाद यून है, फाइल उनका साउंड अगर आप देखें तो। बहरहाल हदा से था हदत, हदा से क्या है हदत पढ़ लिया हमने, यहाँ पर भी दा वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमने यहाँ पर की थी कौन सी बात की थी, ये अलिफ वाली, ये जो हदा पढ़ा था ना हदा, ये इसके जरा टुकड़े करें क्या है, माजी के टुकड़े करें क्या, माजी के टुकड़े करें कौन करेगा, नहीं टुकड़े का मतलब होता है एक ही करके लफ्ज़ बोले ना, एक ही करके, हाँ आप बताएं जी, नहीं ये तीन है, पहले बताया तीन है कि चार है, चार कौन कौन से, हा ये एक होगा हा, दूसरा क्या है दाल अलिफ या, ये चार है पक्की बात है, कोई आप में से इस बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा कोई भी, तीन है, अच्छा आप कह रहे हैं तीन है, तो तीन कौन कौन से हैं क्या, देखें ये किसी टू में ये सारी बातें क्लियर करने वाली हैं, इसलिए मैं आपको बार बार एक क्वेश्चन में खुद इसे उठाता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए, ठीक है। ये जो हा है उसके बाद है दाल, उसके बाद है अलीफ, या नहीं है यहाँ पर जी, क्या कह रहे हैं, नहीं बोलने की तो हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इसके टुकड़े करें, माजी के टुकड़े करें, तो हा दाल और अलिफ है, यहाँ पर या नहीं है, ये जो या नजर आ रहा है ये राइटिंग स्टाइल है, एक्चुअल में यहाँ पर या नहीं है, या इसको हम कहेंगे हा दाल और अलिफ, हा दाल और अलिफ है, क्योंकि जब आप जाते हैं यहाँ पर मुजारे में, या शुरू वाली तो मुजारे की अलामत हो गई, हा दाल और या, यहाँ पर या है, यहाँ पर क्या है या, और आपने कमजोर अफाल जो हरूफ है उनके बारे में अहम बात एक पढ़ी है कि ये एक दूसरे से बदल के आते हैं, कभी तो फुल गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं। तो माजी में जो अलिफ था आखिर में, जैसे दा में अलिफ आया था, वो असल में क्या था, असल में वाव था ना, दाल आइन वाव मादा था, या दुरू में हमें पता चला था, इस तरह हदा में अलिफ है, मैं एक मिनट मैं आपको शायद आपको बात समझ, देखें ये एक लफ्ज है, नहीं है तो या, लेकिन आप मेरी बात शायद समझ नहीं रहे, देखें एक एक मिनट बाद, ये लफ्ज हमने लिखा है हदा को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हदा को हम ऐसे माजी में नहीं लिख सकते, यहां पे लिखना हमने कैसे है, ये इसके अलिफ डालना है और ये या लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आ रहा, ये आखिर में साउंड अलिफ का है इसलिए हदाऊ बना है, तो माजी के अंदर जो अलिफ था, ये वाला अलिफ जो है माजी में,
ये अलिफ असल में क्या वाव है या जा है, ये कहाँ पता चल गया? मुजारे में जाकर मुजारे में वो जा वापस आ गया। मुजारे में कोई अलिफ है यहाँ नजर आ रहा नहीं है ना, तो आपने ये जैसे में रखनी बात के वहां यहाँ माजी में अलिफ है या नहीं है माजी में, कमजोर हरफ यहाँ पर अलिफ है। ये या सिर्फ राइटिंग स्टाइल के लिए आया हुआ है, या इस हदा का हिस्सा नहीं है। ये अलिफ मुजारे में जाकर चेंज हुआ है या से, तो या यानी कि असल जो थी वो वापस आ गई, अलिफ असल में जा है। तो मादा क्या हुआ? मादा क्या है? हा दाल या मादा है, हा दाल अलिफ मादा नहीं है, क्योंकि मादा का हिस्सा नहीं होता अलिफ, कमजोर हरफ है तो मादा का हिस्सा नहीं। इसलिए मैंने ये बात सारी बताई आपको, एक तो आंदा भी बहुत सारे फेर के अंदर आपको काम आएगी, दूसरी ये बताई कि ये दात की बात हमने पढ़ी थी, दा से दात पढ़ा था कि अलिफ यहाँ पर साकिन था, इसलिए यहाँ पर भी हदा में भी वो अलिफ यहाँ पर गिरा हुआ है, हदत हुआ है। आप बात समझ रही है कि ये इतनी लंबी तकरीर मैंने क्यों की है? चले आगे भी ये फेल आएंगे, मैं अगली क्लास में पूछूंगा आपसे कि ये बातें मैंने वहां पे पूछ, वहां पे आप लोगों से पूछनी है। कौन सा ये बड़ी तफसीली बात है, ये अगले कोर्स में बता दूंगा, फिर कभी बता दूंगा। ठीक है जी, अभी तो बहुत लेसर रहते हैं ना, अभी टाइम भी कम है, तो मैं आप यहाँ पर समझ आगे हदा से क्या बना था, हदत और यहदी तहदी ही तहदी। ठीक है जी, आगे पूरा टेबल कर लेते हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ई की ये जमा, ठीक है, वो बात है जो मैंने पहले बताई। यहाँ पर एहदी के अंदर भी देखें, यहाँ पर एहदी में फेल अमर में वो या गिर गई है, गायब हो गई है एहदी में, या जो हा दा या मादा था उसमें हमने ये कहा था कि कमजोर हरफ कभी गिर जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं फुली, और कभी एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। तो एहदी के अंदर जो है ना ये या क्या है, गायब हो गई है, कमजोर हरफ जो था या वो गायब हो गया है। और एहदू में क्या हुआ है? वो भाव से बदल गए। ठीक है, बात ऐसे बनाई। हाँ, ये इसलिए ये बातें बड़ी यहाँ मेरे शुरू हुई हम करते हैं ये, इसलिए हर साइड में। चलो टेबल को जरा जल्दी से रिवाइज करें, हदा हदाऊ हदू नहीं, दोबारा पढ़े, हदा हदाऊ हदईता हदईतु हदईतुम हदईना यहदी यहदूना तहदी अहदी तहदूना नहदी और हाँ एहदी एहदू ला तहदी ला तहदू हादिन महदीजुन हिदायतुन हिदायतुन भी है और हुदन भी, दोनों तरफ से। तो हुआ यहदी नहीं सॉरी हदा, हाँ हुआ हदा या हदत, हुआ यहदी या तहदी। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल वाइज कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने घर में करनी है लाजमी, ये अगली दफा मैंने टेबल सुनना भी है। किताबें करें हदा यहदी एहदी आदिन महदीयुन हिदायतुन। वर्कबुक में क्या करेंगे, हदा के टेबल से हमने तीन क्वेश्चन है अरबी बनानी है, और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है, और के लिए क्या आता है, और वाव, हर कौम के लिए, कौम के लिए कौम, हर के लिए कुल वाले कुल्ली कौमिन, क्या दर्ज में वाले कुल्ली कौमिन, वाव लिकुल्ली ये लिकुल्ली कौमिन, और हादिन इस हमने पढ़ा था इसम फाइल, हादिन वाले कुल्ली कौमिन हादिन हमने पढ़ा है इसम फाइल। दूसरा क्या है, एहदिन सिरात मुस्तकीम का तर्जमा आप जानते हैं, तो हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते। हल हदैतुम अहदन, ये इशारा है, हल हदैतुम अहदन मा, हाँ मा हदैना अहदन, हमने किसी को हिदायत नहीं दी। इसके बाद हमने एक टेबल है हदा की तरह है, जरा जरा का मना नहीं, यह जजा सॉरी जजा है, जा के साथ है,
उसने बदला दिया, जजा उसने जजा दी, बदला दिया। तो एक और भी टेबल आएगा जजा की तरह, जरा भी यही लिखा जा सकता है, वो जारी हुआ, वो भी सेम ही साउंड है हदा की तरह, वो भी आगे इसी कोर्स में देखेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, जजा जऊ जजैता जैतु जैतुम जजैना, ये क्या है, यजी यजूना तजी अजी तजूना नजी इजी इजू ला तजी ला तजू जाजिन मजीयुन और जजा। तो ये टेबल आपने हदा के सेम साउंड पर बनाना है, वर्ब बुक में इस टेबल को लिखना है। सॉरी हाँ, ये था जजा, ये है जजत, जजत जजा से जजत, यहाँ पर वही अलिफ गिरेगा जजत और यजी या तजी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। इसमें आखिर में दुआ पढ़नी है, सुभानकल्लाह व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।